नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी का स्वागत है प्री मेंस इंटरव्यू वाली ज्योग्राफी की क्लास में, जिसमें हर टॉपिक को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं और साथ ही साथ हमारा यह प्रयास रहता है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ एक बार पढ़ें और इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि भविष्य में हमें कभी प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए दोबारा यह चैप्टर ना पढ़ना पड़े। इसी के कारण ये जो क्लास है अपने आप में अलग है, अनूठी है। लेकिन ये कितनी अलग है ये तभी पता चलेगा जब आप कोई एक पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का पुनः स्वागत है प्री मेंस इंटरव्यू वाली ज्योग्राफी की क्लास में, जिसमें आज हम चौथा चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे। और यह जो चैप्टर है देखने और सुनने के लिए तो सामान्य चैप्टर प्रतीत होता है, लेकिन इसमें से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह जो चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम इस टॉपिक पर बात करें, अपने सफर को प्रारंभ करें, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं। एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, आप चैट में बता दीजिए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप सभी का पुनः स्वागत है प्री मेंस इंटरव्यू वाली ज्योग्राफी की इस क्लास में। प्लीज एक बार बता दीजिए कि क्या आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सबको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके अंदर एक जुनून होगा। और जुनून वह यह होगा कि अगर हमें इस बार प्रीलिम्स देना है तो हमें स्कोर जो है कि 110 नहीं करना है, जो कि कट ऑफ जाती है, हमें स्कोर करना है 140। अगर 140 का स्कोर का टारगेट आप लेकर चल रहे हैं तो विश्वास कीजिए आपका मेरे साथ जो जुड़ाव है वह काफ़ी शानदार होने वाला है। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और मैं यह मान कर चलता हूँ कि अगर हम सही डायरेक्शन में हम और आप मेहनत करें तो हमारे और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा जो अभी तक का अनुभव है वह यह बताता है कि अगर किसी टॉपिक को हम साइंटिफिकली आपके सामने प्रेजेंट कर पाते हैं और आप उसको समझ पाते हैं तो यूपीएससी की यह जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है और स्कोरिंग भी होती है। और यह जो स्कोर बनते हैं यह प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं, और इंटरव्यू में तो आपके लिए एकदम चांदी चांदी होता है, क्योंकि पहले से आप सब कुछ तैयार करके बैठे हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मेरे विषय में और कुछ चीजें अनअकैडमी के विषय में जान लीजिए। हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया की सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिस पर मेरे जैसे बहुत से एजुकेटर पढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़कर सभी से पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है आप उसके कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहता हूं यहां जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं उसकी एक लिमिट है, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्टेंट होता है वह आप उससे परिचित हो चुके होंगे अगर आपने अभी तक की मेरी कोई भी क्लास देखी होगी। कल वाला जो चैप्टर था ज्वालामुखी आपने देखा, उस बहुत कम इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर था, लेकिन जिस तरह से जिस साइंस के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वह आप लोगों को पसंद आया, इसकी मुझे खुशी है। और यह आपको इस वजह से पसंद आया क्योंकि आप गंभीर हैं, आप यूपीएससी के नेचर को जानते हैं, क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं जब आपके सामने आया हूं तो कितनी लंबी जर्नी तय करके आपके पास आया हूं। इसी के कारण मैं जब भी आपके विषय में सोचता हूं तो मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है और वह है अपनी तरफ से 100% देना और आपसे भी 100% लेना। वह कैसे होगा, वह होगा जब आप क्या करें, अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हों और आपकी पढ़ाई की प्रक्रिया में, इस जर्नी में अगर कोई रुकावट आए तो मैं आपका हम सफर बन के आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकूं। इसीलिए मैंने स्टूडेंट यह टेलीग्राम चैनल बनवाया है अनअकैडमी से। आप देख सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जो लोग जुड़े हैं आप मुझसे बता सकते हैं कि मैं क्या आपके सभी प्रश्नों का जवाब देता हूं या नहीं देता हूं। हर तरह से मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आपको प्रोत्साहित करता हूं। इसलिए जो बच्चे नए हैं, जो अभी इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और इसको ज्वाइन करेंगे तो ना सिर्फ आपको मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर, बल्कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हम उस पर भी बात करते हैं।
इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ से लेकर हर चीज आपको यहीं पर मिलती रहेगी, मेरी क्लास के सभी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए, जिससे आने वाले समय में एक भी क्लास आप मिस मत होने दीजिएगा। और मैं ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वह मिस नहीं होने दूंगा। ज्योग्राफी आने वाले कुछ ही दिनों में सबसे आपका इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। और अगर आपके अंदर यह विचार चल रहा होगा कि पहले हम जीएस पढ़ लेते हैं फिर हम ऑप्शनल डिसाइड करेंगे, तो देखिए मैं विश्वास दिलाता हूं आप ऑप्शनल ज्योग्राफी ही रखने वाले हैं। वह इस वजह से रखने वाले हैं क्योंकि इसका जो साइंस है वह आपको बहुत प्रभावित करता है, वह आपको विश्वास दिलाता है कि इससे आसान सब्जेक्ट्स कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने कभी ज्योग्राफी को इस तरह से नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता आपको कठिन भी लगता हो। अनअकैडमी इस समय जो है कि प्रीलिम्स के लिए सीसेट और जीएस के टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसमें इनरोलमेंट करा सकते हैं। लेकिन जब भी इनरोलमेंट कराएं तो आपको एक कोड यूज करना है, और उस कोड को यूज करते ही आप मेरे संपर्क में आ जाएंगे, मेरा गाइडेंस आपको मिल पाएगा, वह है SBLIVE। SBLIVE कोड यूज कीजिएगा, इससे क्या होगा आपको मेरा मेंटरशिप मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट यहां पर लिखे हुए हैं इसके फीचर्स, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का एक अच्छा विकल्प है जिसमें आपको लाइव मेंटरशिप मिलते हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, जैसा कि क्वेश्चंस मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस के लिए डालता हूं, इसी प्रकार के प्रयास यहां पर भी किए जाते हैं। आपको स्टडी प्लानर मिलते हैं, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स मिलता है, अर्थात अगर आप कोई आइकॉनिक कोर्स परचेज करते हैं और उसमें SBLIVE कोड यूज करते हैं, जो कोड मैंने अभी लिखा था, तो उससे क्या होगा आपको मेरा मेंटरशिप मिल पाएगा। देख सकते हैं यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट का आयोजन किया जाता है, आपको इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के विकल्प हैं, ये इसलिए बताए जाते हैं ताकि आप इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकें। तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की फी लिखी हुई है और यहां पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, दोनों की फी लिखी हुई है। लेकिन अगर आप यह SBLIVE कोड जो नीचे लिखा हुआ है इसको यूज करेंगे तो आपको फी में क्या होगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे जुड़े और आप अनअकैडमी से जुड़े तो आप इस कोड को यूज करके आप आगे बढ़िए। यहाँ पर भी देख सकते हैं 10% डिस्काउंट मिलता है SBLIVE का, और इसको भी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन है, इसको भी आप जरूर यूज कीजिएगा। आपके पास जो है कि लोन को अप्रूव करवाने का मौका है, अर्थात आपको लगता है कि एक साथ आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप इसके माध्यम से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिए यह जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, और यह जो बेनिफिट्स हैं अपने आप में इस प्रोग्राम को अलग बना देते हैं। इसलिए अगर आप इस साल के लिए अगले साल के लिए है कि प्लान कर रहे हैं तो आप क्या करिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रेफरल कोड क्या यूज करना है SBLIVE कोड यूज करना है, उससे क्या होगा आप मुझसे जुड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे भूकंप एवं सुनामी पर। दोनों एक ही चीजें हैं लगभग लगभग, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट है उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें डायनेमिक अप्रोच की डिमांड करते हैं। साथ ही साथ फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफी अर्थात इस चैप्टर को जब हम लोग फिनिश करेंगे तो आपके पास लगभग 30 से 40 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं और 10 से 12 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, जिनको आपको कैरी करना है, अर्थात लेकर जाना है एग्जाम हॉल तक। मैं जो तरीका बताऊंगा, जिस तरह से समझाऊंगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे लाइव कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दूर करूंगा। प्रयास ये करिएगा कि आज इसको इतने मन से पढ़ लें कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, ये जो पीडीएफ आपके पास जाएगा इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि क्या यह जो है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सर मेरा एक निवेदन है कि एक चैप्टर होने के बाद प्रश्न करवाएं। बच्चे हम प्रश्न बिल्कुल करवाना चाहते हैं, लेकिन आप ही देखते हैं कि क्लास क्या हो जाती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो उसमें से कई लोग थकने लगते हैं। उसका प्लान ये है कि अभी देखो 3-4 दिन ये क्लास हो चुकी, एक क्लास और हो जाने दो, कल की क्लास के बाद हम क्या करेंगे, हमारे 5 चैप्टर हो चुके होंगे, इन 5 चैप्टर से हम क्या करेंगे, बहुत से MCQ जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, अर्थात मॉडल क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने आऊंगा
होगा उसको सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, पूरा जो जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं ये सब रिवीजन हो जाएंगे, और उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इस टॉपिक पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत। तो कल की क्लास और कर लीजिए, परसों वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से जितने भी चैप्टर हो चुके होंगे इनके टॉपिक्स को हम क्या करेंगे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप चिंता मत करिए, हर तरह से मैं आपके साथ हूं बच्चों, हर तरह से आपके साथ हूं। आप जैसा सोचते हो ना ऐसे ही है जो है कि हम लोग भी के। एक बच्चे हैं विवेक राठौर, सर स्टार्ट कीजिए आप बहुत टाइम लेते हैं। बच्चे मैं कहां टाइम लेता हूं, ऐसा मत कहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं माफी चाहता हूं, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, ठीक है। चले स्टार्ट करें हम लोग। आप देखिए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ते हैं समझते हैं, उससे पहले मैंने आपसे बार बार कहा था कि हम जितने टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उसको हमें क्या करना है रिवाइज करते चलना। तो हम इस टॉपिक पर बात करें, एक मिनट, हाँ इस टॉपिक पर बात करें उससे पहले अभी तक जितने चैप्टर हो सके उस चैप्टर से हमें इस चैप्टर को जोड़ना है, अर्थात जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स में हमने जो जो सीखा है उसका जो जो कंटेंट भूकंप और सुनामी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा इस चैप्टर का जुड़ाव उनसे उस चैप्टर से हो जाएगा जो पिछले हमारे चैप्टर्स रहे हैं तीन, और इससे इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टडी, अर्थात सभी जो है कि टॉपिक्स को जोड़कर पढ़ना। तो इससे न सिर्फ आपके डायमेंशन क्लियर होंगे बल्कि आपको यह पता चल जाएगा कि हर चैप्टर अपने आप में कितना वैल्यूएबल है और क्यों हमें एक तरफ से पढ़ना चाहिए और कैसे जोड़कर पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों हम इस टॉपिक पर बात करें इससे पहले हम जो है कि जो अभी तक स्टडी कर चुके हैं उसके क्रक्स को हम इस चैप्टर से जोड़ने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वह था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुत सी चीजें आज हम क्या कर रहे हैं रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि यह जो भूकंप की घटना है, यह भूकंप की जो घटना है एक प्रकार की जो आपदा है इसका संबंध कहां से है, इसका संबंध हमारी पृथ्वी के अंदर से, अर्थात पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के जो है कि गतिविधियां होती हैं, और इन परिवर्तनों और गतिविधियों की वजह से ही तो क्या होता है हमें भूकंप जैसी आपदा का सामना करना पड़ता है। अब हमने देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हुए कि 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई पर क्या था, एक दुर्बलता मंडल था, और ये जो दुर्बलता मंडल था जिसको हमने इंग्लिश में एस्थनोस्फीयर नाम दिया था, लो वेलोसिटी जोन नाम दिया था, यहीं पर हमने कहा था मैग्मा का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, और इस मैग्मा के फॉर्मेशन होने के कारण इसको हमने मैग्मा चैम्बर नाम दिया था, और इस मैग्मा चैम्बर में क्या हो रहा था बच्चों मैग्मा बन रहा था, और जब मैग्मा बन रहा था तो यह मैग्मा जब क्या आएगा बाहर आने का प्रयास करेगा तो क्या करेगा पृथ्वी की परतों को तोड़ेगा, और जब पृथ्वी की परतें टूटेंगे तो इससे क्या होगा भूकंप आएगा, ये चीज हमने पढ़ा था। दूसरा मैंने आपसे कहा था कि ये जो 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई वाला भाग है यहां पर क्या पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के तत्व होते हैं जिनमें स्वतः विखंडन की क्रिया होती है। स्वतः विखंडन को कैसे समझें, जैसे मान लो आप क्या करो बारूद के एक छोटे से ढेर पर एक तरफ से आग लगा दो पूरा बारूद क्या हो जाएगा जलकर खाक हो जाएगा, ठीक इसी तरह से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं स्वतः विखंडन हो। अब सोचो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनका जो विखंडन है अगर यह इसकी गति बढ़ जाए अर्थात विखंडन की दर बढ़ जाए तो क्या होगा मैग्मा तापमान वहां पर क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तापमान ज्यादा हो जाएगा तो जो मैग्मा है वह पहले से ही पिघले हुए अवस्था में है और क्या हो जाएगा और वह पतला हो जाएगा और फिर क्या करेगा वह किसी छिद्र या फिर दरार से होकर बाहर आएगा, और इसके वजह से आप कहेंगे ज्वालामुखी की क्रिया होगी और भूकंप आएगा। तो यह इस चैप्टर से हमने जोड़ लिया। इसके बाद बच्चों हमने एक चैप्टर और देखा था जो हमारा दूसरा चैप्टर था वह था हमने देखा था यह था आपका
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हुए हमने देखा था कि जो प्लेट होती हैं, इन प्लेट्स के जो किनारे होते हैं, जैसे ये किनारे हैं, तो मान लो प्लेट है, और ये जो प्लेट के किनारे हैं, इन पर, इन किनारों पर क्या होते हैं, जब प्लेटें टकराती हैं, तो जब प्लेटें टकराती हैं, तो जब टकराएंगी दो प्लेटें, तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। और जब हमने कहा था ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो एक प्लेट क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। अब देखो, ये जो प्लेट नीचे की ओर जा रही है, ये क्या कर रही होगी, इस प्लेट पर रगड़ डालते हुए, अर्थात रगड़ उत्पन्न करती है। रगड़ का मतलब क्या है कि इससे जो है कि घसीटते हुए, इससे रगड़ प्रदान करते हुए, इससे इसको जो है कि तोड़ते हुए, इस भाग को तोड़ते हुए अंदर की ओर जाती है, इससे भी क्या होता है, भूकंप होता है। अब फिर मैंने कहा था कि जब ये प्लेट गलेगी, तो पहले से मैग्मा है, मैग्मा की मात्रा और वृद्धि होगी, इससे क्या आएगा, भूकंप आएगा। और मैंने आपको कहा था कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था इसके तीन किनारे होते हैं रचनात्मक, तो मैंने कहा था रचनात्मक किनारे पर भी क्या आएगा, भूकंप आएगा। याद करते चलिए, जितना मैंने बताया, मैंने कहा था जब विनाशात्मक किनारा जो होगा, वहां पर भी क्या होगा, कई प्रकार की क्रियाएं होंगी, वहां पर भी भूकंप होगा। और मैंने एक तीसरा किनारा बताया था बच्चों, संरक्षी किनारा, और मैंने वहां पर भी कहा था कि संरक्षी किनारे में क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और यह जो जहां पर इनका फ्रैक्शन होता है, रगड़ होता है, यहां पर भी क्या होता है, भूकंप आता है। ये चीजें हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको कहा था कि विश्व में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या हो रहा है, प्लेट अभी भी क्या हो रही है, टकरा रही है, और यह क्षेत्र क्या है, विवर्तनिक, अर्थात टेक्टोनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, विवर्तनिक दृष्टिकोण से क्या है, संवेदनशील है। और इन्हीं संवेदनशील क्षेत्रों में क्या होता है, अभी भी सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमने पढ़ा है, उसको हम इस चैप्टर से जोड़ पाए। अगला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, वह पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों ज्वालामुखी, पढ़ा था ना ज्वालामुखी, हमने चैप्टर पढ़ा था। और ज्वालामुखी पढ़ते हुए हमने कहा था कि जब जब ज्वालामुखी की घटना होगी, भूकंप क्या होगा, जरूर आएगा। अर्थात ज्वालामुखी की घटना होगी तो भूकंप जरूर आएगा, क्योंकि ज्वालामुखी क्या करता है, वह पृथ्वी की किसी परत को तोड़कर आता है। फिर मैंने ज्वालामुखी का वितरण बताया था, और मैंने वहीं पर आपको बताया था कि जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी की घटना आ रही है, वहीं पर क्या होगा, भूकंप और सुनामी की भी घटनाएं हमको क्या होंगी, देखने को मिलेंगी। यहां तक चीजें हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक रिवाइज कर लिया ना, क्या है, हो गया ना रिवाइज, हो गया ना बच्चों, प्लीज बताइए, हो गया ना। ठीक है, अब देखो मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, आने वाले तीन चार चैप्टर में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बहुत से डायमेंशन से पिछले जो चैप्टर हैं, उस चैप्टर को हम इससे जोड़ सकते हैं, और यही आप भी करते चलिए। आप हर टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़िए, उसके कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करिए, और यही क्या है, इस सब्जेक्ट का डिसिप्लिन है। इसीलिए मैंने कह दिया कि अगर आप इस सब्जेक्ट के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आप विश्वास करिए, यह सब्जेक्ट आपके लिए जो है कि एक तरह का वरदान से होगा, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत साइंस पे है। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इस सीक्वेंस में चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य जानकारी के विषय में, और फिर जो है कि भूकंप के कारण भूकंपीय तरंगों के विषय में हम बात करें। अब देखो, सामान्य जानकारी पर हम बात करते हैं, एक एक शब्द यहां पर देखो बच्चों, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा आप जानते हो, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जिन शब्दों पर जोर दूंगा, उनको सोचिएगा और उनको अंदर तक महसूस करने का प्रयास करिएगा कि क्या आपने ऐसे सोचा था या नहीं। अब देखो, पहला शब्द भूकंप क्या है, यहां पे लिखते हुए चलते हैं। आपके पास भी जो भी कॉपी पेन है, प्लीज उससे लिखते पढ़ते और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, पीडीएफ तो मिल जाएगा। अब देखो, भूकंप क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग,
अब एक नया शब्द आ गया क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। हम क्रस्ट डिस्कस कर चुके हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग में महसूस की जाने वाली कंपन या लहर या फिर ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब पहले यहां पर देखे शब्द कई है, एक तो सबसे पहले है पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्रस्ट। हमने अब पढ़ा था कि अगर हम जहां पर रहते हैं वहां से लेकर लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है वह किसमें शामिल होता है, क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। अब देखो, अब इसका मतलब यह है कि भूकंप का मतलब वह नहीं है जो पृथ्वी के अंदर की परतों में ही उत्पन्न हो और यहीं तक रह जाए। जब तक यह बाहर नहीं आएगा, सतह पर नहीं आएगा, तब तक क्या यह भूकंप नहीं है। तो अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए पृथ्वी में होने वाली सभी हलचलें भूकंप है, कहिएगा नहीं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो भूकंप आएगा उसको हम भूकंप कहेंगे। दूसरा, यह जो तरंगे हैं ये कैसी तरंगे होनी चाहिए जो महसूस की जाने वाली कंपन है, अर्थात अगर देखा जाए तो यह डेटा आप नोट करिए, पृथ्वी पर हर घंटे पूरे पृथ्वी पर कई जगह हजारों की संख्या में ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी को हम भूकंपीय तरंगों के रूप में चिन्हित नहीं करते। इसका कारण यह है कि जब तक भूकंपीय तरंगे महसूस नहीं होंगी, अर्थात उनका कोई पृथ्वी पर इंपैक्ट पड़ने की संभावना नहीं होगी या फिर इंपैक्ट पड़ नहीं पाएगा, तब तक उसको हम कंसीडर नहीं करते। इसको और एक भाषा में समझिए, जैसे आपने देखा होगा समुद्री जल में क्या होता है, लहरें उठती रहती हैं, हवा के माध्यम से लहरें उठती हैं, चलती हैं, लेकिन हम उनको सुनामी नहीं कहते। सुनामी क्या है कि लहरें आएंगे तीव्र गति से, वह अपना विध्वंसक प्रभाव दिखाएंगे या फिर विध्वंसक प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरह से यह जो भूकंप है यह वह लहर है या फिर यह वह ऊर्जा है या यह वह कंपन है जो महसूस की जा सकती हो, जिसका संबंध कहां से है, पृथ्वी के ऊपरी भाग से। अब देखो इसमें एक शब्द और आया ऊर्जा। प्रश्न आएगा कि आखिर हम इसको ऊर्जा क्यों कह रहे हैं। ऊर्जा इस वजह से भूकंप को कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या है, गति है, और यह गति क्या करती है, हमारे स्थल रूप पर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती रही है। यह जो परिवर्तन है इससे अधिकांश चीजें का विनाश ही होता है। बावजूद इसके यह जो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कम निगेटिव क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या है, एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है। जैसे हमने कहा गतिज ऊर्जा का मतलब है इसमें जो तरंगें हैं वह क्या करती हैं, गति करती हैं। एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर, अब शब्दों ध्यान देना, पृथ्वी के अंदर चट्टानों में परिवर्तन, अर्थात ये जो हमारी पृथ्वी है, अब हम इसमें शब्द आ गया चट्टानों में परिवर्तन। चट्टानों में परिवर्तन का मतलब क्या है कि यह जो हमारी पृथ्वी है, मैंने इसमें डिस्कस किया था आपको, इसकी कुछ परतें, तो ये जो मान लो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली इतनी मोटी परत है, तो ये जो नीचे वाली परत है ये भी क्या है, अपने आप में एक चट्टान। तो क्या होता है कि यह जो भूकंपीय तरंगें हैं इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर चट्टानों में किसी प्रकार का परिवर्तन आने, परिवर्तन आने का मतलब यह है, मान लो यह जो है कि एक प्रकार का रिमोट है, मैं इसके निचले भाग को क्या कर दूं, आग पर रख दूं, यह क्या हो जाएगा, पिघल जाए। जैसे ही इसका निचला भाग पिघलेगा, यह जो पूरा मार्कर है इसमें खिंचाव पैदा होगा, और जब खिंचाव पैदा होगा यह मार्कर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं इनमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सिकुड़न होती है, संकुचन होती है, जिसके कारण ऊपरी भाग भी प्रभावित होते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों से जो तरंगे उत्पन्न होकर हमको महसूस कराती हैं, पृथ्वी तक आती हैं, उसको क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगे कहते हैं।
इनकी उत्पत्ति समस्थिति के कारण भी होती है। समस्थिति का मतलब यह है कि पृथ्वी अभी जिस संतुलन की अवस्था में, इसमें अगर परिवर्तन होता है तो पृथ्वी अपने आप को क्या करती है, उसी रूप में ढालने का प्रयास करती है। इसको कैसे समझे, यह मान लो मेरे पास एक रिमोट है, मैंने इस पर क्या कर दिया, यह पेन रख दिया, अब यह क्या होगा, ऐसे झुक जाएगा। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, इस यह जो झुकाव है इसको रोकने का प्रयास करती है, अर्थात वो संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है। इसको और व्यवहारिक से समझो, आप देख रहे हो हिमालय क्षेत्र से क्या हो रहा है, नदियां बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं और अवसाद लाकर क्या करती हैं, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण करती है। तो अब देखो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदानी क्षेत्र पहले तो नहीं था, यहां पर भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पृथ्वी क्या करती है, हिमालय को भी ऊंचा उठाती रहती है, जिससे उसकी भी वहां पर जो ऊंचाई कम हो रही है वह बनी रहे, संतुलन क्या है, बना रहे। तो इसी को बोलते हैं समस्थिति। आई होप आप जिस तरह से मैं व्याख्या कर रहा हूं इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे और यही आपको समझना है, ठीक है। तीसरा इसमें है ऊर्जा निर्गमन। ऊर्जा निर्गमन का मतलब है कि मैंने आपसे कहा यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर बहुत अथाह ऊर्जा है। अथाह ऊर्जा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी अंदर में एकदम गर्म है, इसका तापमान बहुत ज्यादा है, कई प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। पृथ्वी अंदर से एक भट्टी के रूप में, उसमें क्या करोगे, पहले से ही गला हुआ पदार्थ है, मैं इन दोनों पदार्थों को ले जाके अगर डाल दूं तो कहीं ना कहीं भले ही 1 ग्राम मात्रा में वृद्धि हो, लेकिन उस पदार्थ में क्या होगा, वृद्धि होगा जो पृथ्वी के अंदर। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, पदार्थों का निर्माण होता रहता है, उससे ऊर्जा बनती है और वह ऊर्जा पृथ्वी के तोड़कर या पृथ्वी में जो है कि परिवर्तन कर बाहर आने का प्रयास करती है, जिसके वजह से क्या होता है, भूकंप की घटना होती है। प्लेट विवर्तनिकी को हमने समझा था कि मान लो यह 2 प्लेटें हैं और यह 2 प्लेटें क्या हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, और जब यह एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो क्या होंगे, यह दूसरे से टकराएंगे। तो जैसे ही मान लो, जैसे आपने देखा होगा आप 2 थाली टकराते हो तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, साउंड होता है। ठीक इसी तरह से कोई भी 2 चीज टकराओगे तो क्या होगा, उससे ऊर्जा होगी। अब क्या होगा, सोचो इन 2 चीजों को मैं क्या करूं, ऐसे ले कराऊं और इसको जो है कि टकराऊं और फिर इससे क्या करूं, मैं इस मार्कर को तोड़ते हुए अंदर की ओर इसको प्रवेश करवाऊं। तो जब ये मार्कर को यह तोड़ रहा होगा, यह क्या होगा, इसको जब तोड़ेगा तो उस समय भी तो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, घर्षण होगा और भूकंप की घटना होगी। आदि कारणों से क्या होता है, कुल मिलाकर यह जो ऊर्जा है इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर आने वाली ऐसी तरंग, ऐसी ऊर्जा जिनसे पृथ्वी में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। भूकंप आपने समझ लिया क्या है। अब देखो भूकंप क्या है, एक शॉक वेव है। शॉक वेव इस वजह से बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अचानक परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही भूकंप के पहले झटके आते हैं लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं। कारण क्या है कि यह जो तरंगे हैं इनके अंदर जो ऊर्जा है वह कुछ ही मिनटों में क्या करती हैं, पूरे स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो इनको शॉक वेव के रूप में भी बोला जाता है। और ये जो शॉक वेव है अधिकांशतः विनाशात्मक होती है, लेकिन इनके कुछ रचनात्मक कार्य भी होते हैं। अब प्रश्न आएगा, शॉक वेव या भूकंप से रचनात्मक कार्य कैसे हो सकते हैं। अब सोचो, मान लो ये बच्चों यह एक एरिया है और इस एरिया में नीचे की तरफ क्या है, मिनरल्स दबा हुआ है। भूकंप का जो उत्पत्ति हो ऐसी हो कि इस भाग को वह ऊपर उठा दे तो क्या होगा, खनिज क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जब खनिज बाहर आ जाएगा तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा, मान लो कोई एक एरिया है उसमें क्या हो, यह वाला भाग ऊपर उठा दिया जाए और यह जब भाग ऊपर उठा दिया जाएगा और इधर से कोई नदी फ्लो होगी तो जलप्रपात का क्या होगा, विकास होगा। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो रचनात्मक की भी श्रेणी में आते हैं, लेकिन भूकंप को हम विनाशात्मक कार्यों के लिए ही जानते हैं।
अब देखिए भूकंपीय लहरें जहां उत्पन्न होते हैं उसको बोला जाता है फोकस। अब ये देखो एक नया शब्द आपके लिए आ गया है जिसको आपको याद रखना होगा, याद इसलिए रखना होगा आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस क्या है। तो इसका अब जो है देखो इसकी हिंदी है भूकंप मूल, लेकिन हम लोग इसको फोकस शब्द, और जब आप हिंदी में लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एक बार, और इसके ब्रैकेट में जैसे भूकंप मूल लिख के और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस तरह से भी काम चला सकते हैं। तो फोकस कहां क्या है कि भूकंपी लहरें जहां से उत्पन्न होते, जहां से उत्पन्न होने का मतलब क्या है, देखो यह हमारे मान लो पृथ्वी, मेरी पृथ्वी ऐसे ही मान लो। अब क्या हुआ, पृथ्वी के इस भाग में कोई अचानक झटका लगा, और झटका लगेगा तो यहां से क्या होंगे, तरंगे उत्पन्न होंगे, और ये तरंगे यहां पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंच गए। तो यह जो पॉइंट है ना ए, है ना, ए क्या है आपका फोकस। बी पॉइंट जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचे उसको बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो एपिसेंटर कौन सा रहा, बी, जहां बी कौन सा स्थान है कि भूकंप मूल या फोकस से सबसे समीपवर्ती स्थान जहां पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचती, अर्थात पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको बोलते हैं हम फोकस, और उस फोकस के सबसे समीप वाला स्थान पृथ्वी का वह भाग जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंचकर झटका मारती हैं इसको बोलते हैं एपिसेंटर। इन दोनों को कैसे समझे, जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, आज क्या है बच्चों, आज 14 तारीख है ना, तो बहुत से बच्चे खुश भी होंगे और बहुत से बच्चों का गम भी होगा, और बहुत से जो है कि बच्चे ऐसे होंगे जो आज को अपने आप को बहुत पॉजिटिव भी महसूस कर रहे होंगे कि वह किसी तनाव, किसी चिंता, किसी जिम्मेदारी में बंधे नहीं। आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आप क्या करना, तालाब के किनारे कभी जान, और तालाब के किनारे बैठकर आप क्या करना, तालाब के पानी को ध्यान से देखना, फिर एक पत्थर उठाना बीच में फेंक देना, देखना जहां पत्थर, आप मान लो यह तालाब है, अगर पत्थर यहां गिरा तो यहां से क्या होगा, चारों तरफ तरंगे उत्पन्न होंगे, और वह तरंगे क्या होंगे, बाहर की ओर आएंगे। अगर बड़ा पत्थर आप फेंकेंगे तो तरंगे क्या होंगे, किनारे तक आकर टकरा जाएंगे। तो अब देखो यह जो तरंगे हैं यह क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, और जहां पर आपने पत्थर या कंकड़ फेंका वह क्या है, फोकस। और जहां पर यह तरंगे सबसे पहले जिस भाग में, तालाब के जिस किनारे पर जाकर टकराएंगी वह क्या हो गया, एपिसेंटर। तो इस एग्जांपल से क्या रखेंगे, आप इस चीज को याद रखेंगे। तो यहां पर तीन चीजें हो गई क्लियर, शॉक वेव कहते हैं, फोकस क्या है, और एपिसेंटर क्या। आगे बढ़ते हैं, एपिसेंटर ऑफ फोकस पर हम फिर से बात करेंगे जब हम ये देखेंगे कि कहां पर कितना विनाश होता है और क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, एक सेकंड। अब देखो जैसा कि हमने कहा आपको क्या करना है, जल में जो है कि एक पत्थर उठाकर उसको फेंकिए, अपने आप पता चल जाएगा जैसे लहरें उठती हैं, ठीक इसी तरह से ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में कई जगह से लहरें उठकर बाहर की ओर जाती हैं, और इन्हीं को हम भूकंप कहते हैं। भूकंपी तरंगे जो है कि क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति स्थल से दूर जब होती है तो तीव्रता में ह्रास होता, अर्थात देखो अब मान लो बच्चों इसको हम एक बार के लिए मिटा देते हैं, हाँ चलो ये ले लो, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब ये देखिए यह क्या है, सरफेस ऊपर वाला भाग, एक भूकंप कहां हो, यहां पर उत्पन्न हो। तो जब अगर यहां पर भूकंप उत्पन्न होगा तो सबसे पहले यहां पर जाकर क्या करेगा, यह झटका मारेगा। लेकिन एक भूकंप क्या हो बच्चों, एकदम नीचे की ओर उत्पन्न, तो जब तक यहां पर यह पहुंचेगा तब तक इसकी ऊर्जा में क्या आ चुका होगा, ह्रास आ चुका होगा, कमी आ चुकी होगी। इसको कैसे समझेंगे, देखो आप क्या करो, आपको यह पता है कि आप किसी से लड़ने जाओगे, ठीक है, और लड़ने जाओगे तो आपको है क्या है कि अगर ज्यादा दूर दौड़ के जाना हो, मान लो किसी से लड़ने जा रहे हो, 5 किलोमीटर दौड़ के जाना है कि आज उसको पीट कर आएंगे, 5 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते जब तक वहां पर पहुंचोगे तब तक आप खुद थक चुके होगे और आप उसको क्या पीटोगे, आप खुद वहां पर गिर जाओगे। लेकिन अगर क्या हो, आपने उसी मनोबल से, उसी जो है कि एकदम एनर्जी के साथ सोचा कि आज हम पड़ोसी को पीट डालते, तो क्या होगा, पीट डालो। दोनों में अंतर क्या था, एनर्जी का ह्रास। एक जगह अगर 5 किलोमीटर दौड़कर आप जाओगे, एनर्जी का क्या हो जाएगा, ह्रास। ठीक इसी तरह से भूकंपीय तरंगे जब इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के सापेक्ष ऊपरी परत में होती है तो यह क्या करती है,
तेजी से झटका मारते हैं और तेजी से झटका मारकर अधिक विध्वंसक स्वरूप अपना दिखाते हैं। लेकिन अगर इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की अधिक गहराई में हो तो जब तक ये सतह पर आते हैं तब तक ये काफी छिड़ हो चुकी होती हैं, इनकी गति काफी कम हो चुकी होती है और इसके वजह से इनका ह्रास भी क्या होता है, काफी कम होता है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ रहा ना बच्चों? आपने नोट्स भी बनाए हैं, वेरी शॉर्ट नोट्स। हाँ बच्चों पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहिए, आपको जैसा है आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो तरंगे हैं यह उत्पत्ति केंद्र से अगर आपसे कोई पूछे किस डायरेक्शन में बढ़ती हैं तो बोलना चारों ओर से क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। अत्यधिक तीव्र गति के जो तरंगे हैं वह धरातल पर क्या करती हैं, ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत गति भी करती हैं और धसाव भी होता है। अर्थात इसमें देखो अगर हो सकता है कोई इमेज हो बच्चों तो मैं आपको दिखाता हूं एक्स। हाँ ये देखिए, अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ है, एक भूकंप आया। इसने क्या किया है, पूरे ये जो आपका रोड था उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक इसी तरह से जब भूकंपी तरंगों में बहुत ऊर्जा होती है तो बहुत बड़े भाग को वो ऊपर उठा देते हैं या फिर नीचे धसा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कई तरह की विध्वंसक गतिविधियां में देखने को मिलती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अत्यधिक तीव्र गति वाले भूकंपी तरंगों से वह जो है कि कोई स्थल भाग ऊपर उठ सकता है या कोई भाग नीचे जा सकता है, कहना बिल्कुल जा सकता है। बस उसकी शर्त यह है कि भूकंपीय तरंगों की गति ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात उसमें ऊर्जा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी भूकंपी तरंगों को अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया उसको देखा तो यह पता चला लगभग 90% भूकंप क्या होते हैं, धरातल से मात्र 8 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक भूकंपीय तरंगे कहां पर उत्पन्न होते हैं तो कहना सर्वाधिक तो नहीं लेकिन हाँ लगभग 90% भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति पृथ्वी के सतह से 8 किलोमीटर की गहराई पर होती है। और ये जो 8 किलोमीटर की गहराई से जो भूकंपीय तरंगें आती हैं इनके अंदर काफी एनर्जी होती है, ये काफी जो है कि घातक सिद्ध होती है। अब उसके बाद 8% जो भूकंपीय तरंगें हैं इनकी उत्पत्ति होती है 8 से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई पर। अर्थात अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए कि अधिकांश भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के ऊपरी सतह में उत्पन्न होती हैं, कहना ठीक है। दूसरा एक शब्द और है बच्चों यहां पर 30 किलोमीटर, और मैंने आपको क्रस्ट और मेंटल पढ़ाते हुए अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाते हुए बताया था कि ये जो 30 किलोमीटर का लगभग पार्ट है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो अगर आपसे अब पूछ लिया जाए कि लगभग अधिकांश या लगभग पूर्णतः जो है कि क्या है 98% भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति पृथ्वी के क्रस्ट में होती, पृथ्वी के क्रस्ट में होती है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। अब देखिए जो बच्चा क्या होगा, क्रस्ट नहीं जानता होगा, इस प्रश्न को क्या कर देगा, गलत कर देगा। लेकिन अगर आपने हर चीज को जोड़कर पढ़ा है और समझा है तो आप क्या करेंगे, सही करेंगे। 2% जो भूकंप है वह कहां आते हैं, ये इससे भी अधिक गहराई अर्थात 30 किलोमीटर प्लस की गहराई से आने वाले भूकंपीय जो तरंगे हैं उनका जो अनुपात है कम है। अब आप मुझसे प्रश्न ही कर सकते हो सर ऐसा क्यों होता है, मैंने आपसे इसीलिए स्टार्टिंग में जो पहला शब्द लिया था मैंने क्या किया था, आपको मैंने बताया था कि भूकंप क्या है। भूकंप का मतलब है वह ऊर्जा, वह तरंग जो कि क्या करती है हमको महसूस होती है और जो क्या करती है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में क्या करती है, हलचल या गति लाती है। तो जो तरंगे इनसे अधिक गहराई पर, मान लो कोई तरंग ऐसी है ना कि वह 1000 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न हुई, तो वह पृथ्वी के सतह तक तो आ ही नहीं पाएगी, और जब आ ही नहीं पाएगी तो हम उसको भूकंप के रूप में नोट नहीं करें। ऐसा नहीं है कि 1000 किलोमीटर वाली तरंग में ऊर्जा नहीं थी, लेकिन इसका ऊर्जा क्या होगा, ऊपर तक आते आते समाप्त हो जाएगा, इसलिए कमजोर तरंग हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह से यह जो 100% भूकंप का डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस
इसको अन्य चैप्टर से भी आप जोड़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो तो एक तो था कि भूकंप आखिर अधिकांश भूकंप किस गहराई से आते हैं। अब आपके सामने तीन टर्मोलॉजी आती है। पहली जो टर्मोलॉजी है वह है साधारण भूकंप, कि साधारण भूकंप क्या होता है। तो देखो जीरो से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई तक के जो भूकंप है, अर्थात ऐसे भूकंप जो अधिकांश किस में आते हैं, साधारण गहराई में ही आते हैं। तो अधिकांश भूकंप जब इसी के कैटेगरी के आते हैं तो इसी को बोला जाता है साधारण भूकंप, जो जीरो से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई तक आते हैं। जो मध्यवर्ती भूकंप होते हैं वह 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक की गहराई पर होते हैं, और अत्यधिक गहराई वाले जो भूकंप होते हैं वह 250 से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट्स हैं जिनमें बहुत कुछ नहीं रटना है, और आप यहां पर बताओ कि अगर आपसे कोई पूछे जो साधारण भूकंप होते हैं, स्टेटमेंट के रूप में पूछे जो साधारण भूकंप होते हैं वही सबसे ज्यादा घातक होते हैं और उन्हीं से विध्वंस होता, कहना बिल्कुल सही है। दूसरा कोई पूछे जो मध्यवर्ती भूकंप होते हैं वह ज्यादा आते हैं, तो कहना नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकांश भूकंप कौन से हैं, साधारण कैटेगरी के जो गहराई उससे संबंधित होते हैं। जिन भूकंपियों भूकंप की उत्पत्ति स्थल स्थल पर होती है उनको क्या बोलते हैं, स्थलीय भूकंप बोलते हैं। तो अब देखो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर जो स्थलीय भूकंप क्या होते हैं, तो कह देना जिन भूकंपों की उत्पत्ति स्थल स्थल पर होती है, अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर होती है, उनको स्थलीय भूकंप कहते हैं। और जिन जो भूकंपों की उत्पत्ति सागरीय बॉटम सागरीय तली में होती है उनको हम क्या करते हैं, सागरीय भूकंप बोलते हैं। लेकिन अधिकांश जो भूकंप है ये इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि समुद्रों में भी बसावट कम है तो उसका निगेटिव इंपैक्ट तभी पड़ता है जब वो तरंगे क्या हो, सुनामी उत्पन्न कर दें। अन्यथा जो है कि समुद्र में भूकंप डेली हजारों की संख्या में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलते, हम उसको नोट भी नहीं करते। तो सर्वाधिक कहां पर होगा, स्थलीय भूकंप। भूकंप आने से पहले आपको पता है वायुमंडल में क्या होता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अब मैं आपसे कमेंट में एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताइए, वह यह है कि कौन सा ऐसा जीव है जो क्या होता है भूकंप को पहचान लेता है या महसूस कर लेता है पहले ही, और वह क्या होता है, वह अपना स्थान परिवर्तित कर, कोई ऐसा जीव का नाम बताइए प्लीज, बताइए। बच्चों ये क्या आगे आगे आप करते हो, एस एल वेव्स पी वेव्स, ये मत करो, किसी को क्यों बताना, आप इतना जानते हो, ये सब मत करो ना, आप पढ़ाई पर फोकस करो। आपको लगेगा आप सब समझ गए हो, लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, और जो बार बार मैं सोचने पर मजबूर करता हूं वह जो है कि उस नहीं समझ पाओगे उस तरह से, ना उस तरह से सोच पाओ। आप इतना कमेंट मत किया करो, कमेंट क्या किया करो कि सर आवाज नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, ये चीज नहीं समझ में आई है ना। आप लोग क्या करते हो, इतना आगे आगे आप जो है कि कमेंट करते हो, एक दूसरे को जानकारी शेयर कर रहे हो, उससे क्या फायदा मिलेगा बताओ, उससे कोई फायदा मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। हाँ, मैंने जिस जीव का नाम पूछा उसका कोई बता सके, बताइए कोई जीव ऐसा ना, जीव बताइए जो कि क्या करता हो, भूकंप को सबसे महसूस कर लेता हो और अपना स्थान, बताइए बताइए। रेप्टाइल्स, ठीक है रेप्टाइल्स, ठीक है। और कोई डॉग भी जंगली डॉग्स में थोड़ा बहुत देखा जाता है, सभी डॉग्स तो नहीं बच्चे। अच्छा, और फिश एंड स्नेक, चलिए माउस भी, कुल मिलाकर रेप्टाइल्स ही आप कह रहे हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भूकंप के कुछ जो कारण हैं उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक कारण जो है आपको लगेंगे सामान्य है, लेकिन इसमें सोचने और एक कॉन्सेप्ट बनाने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं आपको सोचने पर मजबूर करूंगा। तो आपके पास जो कॉपी पेन है उस पर आप फ्लो चार्ट बनाते चलिएगा।
ठीक है। अब देखो भूकंप का जो मूल कारण है वह पृथ्वी की संतुलन की अवस्था जो होती है उसमें व्यवधान है, अर्थात पृथ्वी अपनी हमेशा अपने आप को संतुलित अवस्था में रखने का प्रयास करती है, लेकिन यह जो संतुलन की अवस्था है इसमें जो अव्यवस्था उत्पन्न होता है इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यह अव्यवस्था कैसे होगी, इसका मतलब यह है कि मान लो किसी स्थान पर क्या हो जाए, पर्वत का निर्माण हो जाए जहां पर पहले पर्वत नहीं था, तो पर्वत वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और जब ऊपर उठ गया तो इस भाग पर क्या हो जाएगा, ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से कई प्रकार के परिवर्तन पृथ्वी में अपने आप होते रहते हैं, हम और आप भी करते रहते हैं, तो इसमें जो असंतुलन होता है उसी असंतुलन उसी अव्यवस्था को मैनेज करने के लिए पृथ्वी क्या करती है, भूकंप की स्थिति क्रिएट करती है। ठीक है, और जो पृथ्वी पर कमजोर और अव्यवस्थित क्षेत्र हैं वहीं पर भूकंप सर्वाधिक आते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रश्न दिया था उसका मॉडल आंसर भी बताया था कि भारत में भूकंप आने के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आप उसी में देखो कि जो कमजोर और अव्यवस्थित का मतलब यहां पर यह है कि जहां जहां पर चट्टाने कमजोर हैं, जहां पर जॉइंट्स हैं, जहां पर प्लेटें टकरा रही हैं, जहां पर प्लेटें टूट रही हैं, जहां प्लेटें एक दूसरे से घर्षण कर रही हैं, या फिर जहां पर कोई खाई है, कोई रिफ्ट वैली है, वह क्या है, कमजोर पार्ट है पृथ्वी के, और वहीं पर क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके देखते हैं, और जहां पर मैं पहले बात कर चुका हूं उसमें ज्यादा हम समय खर्च नहीं करें। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया। तो अब देखो जब भी ज्वालामुखी की क्रिया होगी, ज्वालामुखी का उद्गार होगा, भूकंप अवश्य आएगा। क्यों आएगा, ये देखो बच्चों, ये रहा मैग्मा चैम्बर। अब ये जो मैग्मा चैम्बर आप देख रहे हो, इससे यह जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो क्या हम लोगों ने यहाँ पे कोई पाइप लगा रखा था क्या, नहीं। ये मैग्मा ने, ये ज्वालामुखी ने क्या किया होगा, इस पूरी परत को तोड़ा होगा, इस परत को तोड़कर तब वह क्या करता है, बाहर आता है। तो जब लावा को इतनी परतों को तोड़ना पड़ता है तो क्या आएगा, उसमें हलचल जरूर होगी। मेरे हाथ में यह है, मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूं तो यह क्या होगा, इसमें जरूर झटका लगे, इसमें क्रैक्स आएंगे, और यही जो झटका होगा जिसको हम महसूस करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और होता क्या है कि जब पृथ्वी के अंदर लावा और मैग लावा और जो है कि जो ज्वालामुखी गैसें हैं ये अधिक हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी पर धक्का मारती हैं। अर्थात ज्वालामुखी क्रिया से पहले भी भूकंपीय तरंगे हुए क्या कर रही हैं, अपनी लावा अपनी ऊर्जा के माध्यम से ऊपर से झटका ऊपर की ओर झटका मार मार कर पहले भूकंप लाती है। दरअसल ये झटका क्यों मारते हैं, इसको यहां पर समझो। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है आपका मैग्मा चैम्बर। अब ये जो मैग्मा चैम्बर है, इससे क्या है, मैग्मा निकलना। तो यह वाला जो भाग तोड़ा गया है, क्या एक ही बार में तोड़ दिया गया होगा क्या, नहीं। इस लावा ने बार बार यहां पर झटका मारा होगा, पहले चटकन उत्पन्न हुआ होगा। इसको देखो, सबसे पहले चटकन मतलब एक हल्की सी रेखा बनी होगी, फिर दरार उत्पन्न हुआ होगा, और फिर क्या होगा, भ्रंश की कंडीशन क्रिएट होती। ठीक यहां पर भी यह जो संरचना बनी है धीरे धीरे बनी होगी, और यहां पर क्या हुआ होगा, इन परतों को तोड़ कर क्या किया गया होगा, ये जो लावा है और ये जो गैसें हैं क्या ऊपर आते। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पे बहुत से ऐसे छिद्र, ऐसे दरार, ऐसे माध्यम है जिनसे होकर समुद्र का पानी पृथ्वी के अंदर जाता, और जब अंदर जाता तो वो भाप बन जाता, और भाप की एनर्जी को आप जानते ही हो, आपने स्टीम इंजन का नाम सुन ही रखा है, वो कितना शक्तिशाली होता। ठीक इसी तरह से अंदर पृथ्वी के अंदर लावा बढ़ गया है, गैसें बढ़ गई हैं, ये लावा और गैसें क्या करेंगे, बार बार धक्का मारते हैं, इस वजह से भूकंप आता है। आगे बढ़े, जहां कमजोर संरचना होता है लावा वहां से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, वो परतों को तोड़ देता है। अर्थात जो लावा है वो पूरी पृथ्वी के नीचे अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और वह देखता है, खोजता है कि कहां से निकले। जैसे मान लो कि एक जो है कि व्यक्ति को आप क्या कर दो, एक घर में कैद कर दो, और उससे कह दो कि भाई आप निकल सकते हो तो निकल जाओ। वह क्या करेगा, हर तरफ जाएगा, कमजोर पार्ट ढूंढेगा दीवार का जिसको तोड़ सकता हो, और क्या आ जाएगा, बाहर आ जाए। ठीक इसी तरह से यह जो लावा है, यह जो गैसें हैं, यह घूमती रहती हैं, घूम घूम कर यह ऊर्जा के माध्यम से बाहर आने का प्रयास करती रहती हैं,
और जहां पर भी कोई कमजोर परत मिलती है उसको तोड़कर क्या करती है, ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये ज्वालामुखी जो भूकंप होते हैं इनका जो प्रभाव होता है वह क्या होता है, 160 किलोमीटर से लेकर कितना होता है 240 किलोमीटर। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है बच्चों। अब देखो भूकंप तो बहुत से कारणों से आएंगे, लेकिन सभी भूकंप क्या होगा एक ही जैसे प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे। जैसे मान लो कहीं पर आप क्या करो बांध बना दो या कहीं झील बना दो, और जब झील बड़ा सा बना दोगे तो उस एरिया में जब भूकंप आएगा तो उसी एरिया को प्रभावित करेगा। जैसे कि अगर आप लोग मैगजीन पढ़ते होंगे तो आपको अभी एक मैगजीन में, प्रतिष्ठित मैगजीन में ये रिपोर्ट्स आई थी कि इस समय हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसका विरोध कर रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विरोध वह इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, वहां पर टनल बनाई जाती है, वहां पर बड़ी बड़ी झीलें बनाई जाती है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है, और उसके वजह से वहां पर भूकंप आता है, और भूकंप की वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। कोई हिमाचल का बच्चा हो तो प्लीज बताए, क्या मैं सही बता रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्लीज बताइए। तो कोई बच्चा बताइए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। अगर आप कोई कहेंगे झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपको बता दूंगा, सोर्स भी बता दूंगा, आप जाके आप पेज नंबर के साथ पढ़ लेना। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जहां जहां पर आप झीलें बनाएंगे वहां पर भी भूकंप आएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट उसी एरिया में होगा। लेकिन अगर भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के कारण आता है तो क्या होगा, यह भूकंप कितना आएगा, यह भूकंप का प्रभाव इतना प्रभावी होगा कि यह 160 से लेकर 240 किलोमीटर के, किसी ने लिखा है राइट सर, और ठीक है चल ठीक। तो इस भूकंप का जो प्रभाव है वह 160 से लेकर 240 किलोमीटर में होगा। जैसे आप देखो तो 1883 में क्राकातोआ जो द्वीप है वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया, क्राकातोआ इंडोनेशिया के पास जो है, तो वहां पर ज्वालामुखी की क्रिया आई, इससे भूकंप आया, और यह जो भूकंप का प्रभाव है वह 12,800 किलोमीटर दूर जो हॉर्न अंतरिप है वहां तक उसका प्रभाव देखा गया। और क्योंकि यह जो ज्वालामुखी क्रिया आई इससे न सिर्फ भूकंप आया बल्कि इससे सुनामी भी उत्पन्न हुई। तो सुनामी अभी के लिए समझ लो कि सुनामी क्या है, जब सागरी क्षेत्र में भूकंप आता है जिसकी तीव्रता 7.0 से, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा जब भूकंप क्या हो सागरी क्षेत्र में आए जिसकी तीव्रता 7.0 से प्लस हो, अधिक हो, तो क्या होता है, सागरीय जल तेजी से क्या करता है, तटों की ओर बढ़ता है, और यह जो जल का प्रवाह होता है जो कि बहुत तीव्र गति से होता है, कई बार इसकी गति 600 से लेकर 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, इसको सुनामी बोलते हैं। तो यह जब घटना हुई तो यह इस भूकंप के जो झटके हैं, यह ज्वालामुखी घटना कहां पे हुई, क्राकातोआ इंडोनेशिया, लेकिन झटके कहां तक महसूस हुए, हॉर्न अंतरिप, कहां पे, दक्षिण अमेरिका का हॉर्न अंतरिप, वहां तक महसूस हुआ, और इससे क्या हुआ था, वह सुनामी भी उत्पन्न हुई थी और 120 फीट ऊंची लहरें भी उठी थी। आप समझ सकते हो कि जब ज्वालामुखी के भूकंप आता है तो क्या होता है, सबसे ज्यादा घातक भूकंपों में से एक माना जाता है। इसीलिए बच्चों मैंने वर्गीकरण किया है कि ज्वालामुखी भूकंप क्यों अलग है। ठीक है, अब देखो, ठीक है यहां तक उसका है भूपटल भ्रंश। पहला कारण हुआ ज्वालामुखी के कारण आने वाला भूकंप, दूसरा है भूपटल पर अगर भ्रंश बन जाए, भूपटल का मतलब है क्रस्ट बच्चों, तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, इस क्रस्ट में क्या हो जाए, भ्रंश बन जाए। भ्रंश का मतलब क्या है, यह एक बोर्ड है, इसमें सबसे पहले क्या हो, एक ऐसे चटकन हो, फिर क्या हो, ये चटकन जो है कि क्या हो जाए, गाढ़ी होती जाए या फिर ये चौड़ी होती जाए, और फिर क्या हो, यह बीच से टूटकर निकल जाए, ये वाला भाग इधर, ये वाला भाग इधर, तो क्या होगा, ये पूरा जब ये क्रिया होगी टूटने की तो क्या बोट ऐसे ही रह जाएगा कि पूरा बिखर जाएगा। ठीक इसी तरह से पृथ्वी पर क्या होता है, जो भूगर्भिक हलचले होती हैं पृथ्वी पर, इससे वलन की क्रिया होती है। वलन का मतलब होता है दोनों तरफ से जब
फोर्स पड़ता है तो इससे फोल्ड बन जाते हैं। अब सोचो यह एक चीज है, इस पर मैं दोनों तरफ से क्या करूं, दबाव डालूं, तो दोनों तरफ से दबाव डालूंगा तो इसमें फोल्ड पड़ेगा, तो क्या इसमें झटका महसूस नहीं होगा बच्चों? जरूर झटका महसूस होगा, तो इससे भी क्या होगा, भूकंप आएगा। भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है दरार का बन जाना, टूट जाना। खिंचाव की क्रिया जब चट्टानों पर होती है, जैसे मान लो इसी को है आप खींच रहे हो, जब खींचोगे तो क्या होगा, इसमें झटका तो महसूस होगा ही, तो इससे भी भूकंप आता। तो कुल मिलाकर चट्टाने जब टूटती हैं तो इससे भूकंप आता है और इसको भूपटल भ्रंश के अंतर्गत रखते हैं। तो इस आप देखो जितने मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार की क्रिया अर्थात बलन की क्रिया, भ्रंशन की क्रिया चलती रहती है और इसी वजह से वहां पर कई बार भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पर मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में बलन भ्रंशन खिंचाव की क्रिया हमेशा चलती रहती है, जब वो थोड़ा प्रभावित हो जाती है तो अचानक भूकंप आते हैं। जैसे भूपटल भ्रंश का उदाहरण अगर आपको देखना हो तो 1950 में असम में जो भूकंप आया था, तो आपको पता है जो असम क्षेत्र है, असम घाटी है, वो एक घाटी में स्थित है और उसकी वजह से क्या हुआ था, भूकंप आया था। तो आप उस भूकंप को इसमें रख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो असम में भूकंप आया था इसमें क्या हुआ था, लगभग 60 झटके महसूस हुए थे, आप समझ सकते हो इतने ज्यादा झटके। और ये जब झटके महसूस हुए, भूकंप आया, तो इसके वजह से लोहित तथा जो दिहांग नदी थी उसमें भी क्या आ गया, बाढ़ आ गया। अर्थात जब भूकंप आया, पानी पूरा इधर से उधर हुआ, तो उससे बाढ़ भी आ गई थी। आप इसी प्रकार देखो तो 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप भुज गुजरात वाले क्षेत्र में आया था, तो जब उसका पता किया गया तो पता चला कि भुज वाले क्षेत्र का जो सतह से नीचे क्या है, जो चट्टाने हैं उनमें दरार पाई गई थी, अर्थात पहले से ही वहां पर दरार बन रही थी। और वह जो दरार है जैसे ही फटी, उस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी के दिन भूकंप आया था और आपने देखा था कितनी ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, तो भूपटल जो भ्रंश है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला जो भूकंप का कारण है इसको बोलते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन, है ना। प्रत्यास्थ पुनश्चलन को आसान शब्दों में समझो, आप एक रबर लेते हो, रबर को क्या करते हो, खींचते हो और जैसे ही छोड़ते हो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसी को जो इसकी इलास्टिसिटी का गुण है, जो इसके तनने का गुण है, इसी से संबंधित। तो देखो पृथ्वी पर कई जगह चट्टाने क्या है, खींच रही है, और जब खींच रही है तो और खींचने के बाद उनकी खिंचावट की क्या एक सीमा है, तो जब वो खींच रही है, वो तन रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है कि कहीं ना कहीं दरार पड़ रही होती, उसकी वजह से भी भूकंप आता। दूसरा, जब ये टूट जाती है तो टूटने के बाद, जैसे रबर क्या होता है, टूटने के बाद पुनः आपके हाथ में ही वापस आता है, ठीक चट्टाने भी क्या करती हैं, जब टूटती हैं तो तुरंत अपने आप को उस स्थान पर सुकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन। और प्रायद्वीपीय भारत में इस समय जो भूकंप आते हैं उसके पीछे का कारण यही है। कैसे, इसको समझिए, मैंने कहा यह आपका दक्षिण भारत वाला क्षेत्र और यह जो भाग है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में बढ़कर ऐसे क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है। आपको मैंने बताया था यह इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराकर यह ऐसे सबडक्ट हो रही है, उस प्लेट के नीचे की ओर जा रही है। अब जब नीचे की ओर जा रही है तो सोचो क्या इस वाले भाग पर तनाव नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि यह प्लेट तो ऐसे थी, ऐसे झुक गई है, तो इस पर क्या हो रहा है, तनाव आगे की ओर पड़ रहा है। और जब तनाव रहा है तो इसके वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। और इस प्रकार के भूकंपों को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन भूकंप की कैटेगरी में रखते हैं। फिर होता है भूपटल में अव्यवस्था। भूपटल में अव्यवस्था का मतलब है जो पर्वत बने हुए हैं, इन पर्वतों की जो ऊंचाई है वह नदियों के द्वारा, अन्य सोर्स के द्वारा हमेशा कम करने का प्रयास किया जाता है। आपको पता है जो पर्वत जितने ऊंचे हैं, जो पर्वत जितने ऊपर उठे हुए हैं वह हमेशा उतने ऊपर उठे नहीं रहेंगे। ये जो पर्वतीय भाग है इस पर क्या होता है, अपक्षय अपरदन होता रहता है। मैंने आपको बताया था अपक्षय का मतलब क्या है कि चट्टान, मान लो यह चट्टान है, इस चट्टान पर बारिश होती है, ठंडी धूप हर चीज का प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे इसके जो कण है जब टूटते हैं उसको अपक्षय बोलते हैं। अब जब ये कण मान लो ऐसे टूट गए, अब टूट गए यहीं पर है तब तक अपक्षय, अब क्या है यहां से
नदी आए, हवा आए, इन कणों को यहां पर लाकर रख दे तो ये क्या कहलाएगा? अपरदन। अपरदन कौन सा? जो कण यहां से यहां लाए। तो अब क्या होता है, मान लो पर्वतीय क्षेत्र पर अपक्षय अपरदन हुआ तो इसकी ऊंचाई तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यह जो पूरा मटेरियल है वह कहां गया? कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, कोई डेल्टा क्षेत्र बनेगा, कोई मैदानी भाग बनेगा। तो जब मैदानी भाग बनेगा वहां पर क्या होगा, भार में वृद्धि होगी। और पर्वतीय क्षेत्र के भार में क्या हुआ, कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि अपक्षय अपरदन से भाग कटकर चला गया। तो अब पृथ्वी क्या करेगी, अपने आप को संतुलन करने की प्रयास करेगी, और उस संतुलन के प्रयास में भी क्या होता है, भूकंप आते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो भूकंप होते हैं वह हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी भूकंप नहीं होते, उनका जो असर है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं होता। ठीक बच्चों, अब इसी के अलावा है जलीय भंडार। जलीय भंडार जैसे कि मैंने अभी हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के विषय में बताया, तो क्या होता है, जब हम बड़े बड़े बांध बना देते हैं, झील बना देते हैं, मान लो यह एक सतह था और यह एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र में हमने इतना बड़ा क्या कर दिया, एक तालाब बना दिया। और जब हमने इतना बड़ा तालाब बना दिया, हमने क्या किया, पानी भर दिया। तो अब देखो इस तालाब का जो दबाव है ये क्या पड़ेगा, यह जो है कि इन चट्टानों पर पड़ेगा, और चट्टाने अगर मजबूत नहीं होंगे तो धीरे धीरे अंदर की ओर बैठेंगी, कोलैप्स भी कर सकती है, और इसकी वजह से क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो देखो इससे क्या होता है, इस प्रकार की क्रिया, यह लगभग इस समय मानवीय प्रयासों के द्वारा इस प्रकार के भूकंप आते हैं। क्योंकि पहले के जितने जलीय भंडार थे, पहले जितने की झीलें हैं, जितनी झीलें आप देखते हो या अपने आप जो बनी हुई हैं, उनसे वह जब बनी थी उस समय भी ऐसी ही अव्यवस्था उत्पन्न हुई होगी, लेकिन पृथ्वी ने अपने आप को क्या कर लिया, उसको संभाल लिया, या उसी समय भूकंप आए होंगे और खत्म हो गए होंगे। लेकिन अब हम जो दबाव बनाते हैं, अब जो हम बांध और झील बनाते हैं, पृथ्वी इसको संतुलित करने के लिए क्या करती है, भूकंप की कंडीशन क्रिएट कर। अर्थात अगर कहीं जलीय भार के कारण भूकंप आ रहा है तो वह जलीय भार कौन सा होगा, जो हम और आप अब बना रहे हैं, पुराने वाले जो जलीय भार हैं उनको तो पृथ्वी क्या हो कर चुकी है, अपने आप संतुलित कर चुकी है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी अभी जो मानवकृत नवीन जल भंडार बनाए जा रहे हैं, अर्थात मानवकृत मतलब मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन्हीं से संतुलन की जो अवस्था है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न होती है, और अव्यवस्था की वजह से क्या होता है, यहां पर भूकंप आते। ठीक है, चल जैसे 1967 में जो कोयना का भूकंप था वह किसके वजह से आया था, वहां पर कोयना झील के वजह से ही, कोयना बांध के वजह से ही आया था। इसी तरह मैं जब आपको यूएसए की मैपिंग करा रहा था, मैंने आपको एक नदी बताया था, कोलोराडो नदी, और कोलोराडो नदी पर मैंने एक झील दिखाया था आपको, लोकेट भी करवाया था लेक मीड। तो लेक मीड जब से बना है उस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया, और हिमाचल प्रदेश में अभी आंदोलन चल रहा है, नो मींस नो। ठीक है बच्चों, नो मींस नो, वहां पर मूवमेंट चल रहा है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि वह क्या करेंगे, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उन हाइड्रो प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं देंगे। अर्थात गांव और वहां के क्षेत्र के लोग इसको विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से वहां पर क्या आ रहा है, भूकंप की घटना हो रही है। तो नो मींस नो मतलब समझ में आ गया, लेक मीट आप लोगों ने देखा था, लेक मीट देखा था। विवेक जी ने पूछा है ये क्या है सर, किसके विषय में पूछ रहे हैं विवेक जी, बताइए फिर मैं बताऊं क्या है। नो मींस नो एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है जो कि इस समय हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है, वहां पर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विरोध किया जा रहा है। और वह लोग यह नो मींस नो नो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके विरोध के बावजूद भी कई जो है कि प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गई है। तो उन लोगों का कहना है कि हम इस अप्रूवल को नहीं मानते, हमने इसको स्वीकृति नहीं दी, हम पहले भी नो बोल रहे थे, अभी भी नो बोल रहे हैं, क्योंकि यह इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से वहां पर भूकंप आते हैं, और भूकंप आने के कारण वहां के जो पत्थर हैं, उसके पहाड़ हैं, वो टूट रहे हैं, अर्थात लैंडस्लाइड हो रहा है और भूकंप की घटना हो रही है, जिसके वजह से उन लोगों को क्षति हो रही है, जबकि वहां से जो बिजली बनती है वह दिल्ली और समीपवर्ती क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। लेक मीट देखा था कि नहीं आप लोगों ने,
सर अपक्षय अपरदन से भूकंप कैसे? अच्छा बच्चों देखो, यह मान लो एक पर्वत है, ठीक। अब इस पर्वत ने, यह पर्वत किस पे? पृथ्वी पर ऐसे टिका हुआ है, और पृथ्वी पर ऐसे जब टिका हुआ है तो किस वजह से टिका हुआ? क्योंकि पृथ्वी ने इस भार के अनुसार अपने आप को क्या किया? संतुलित किया। अब अपक्षय अपरदन हो जाए, यह भाग टूट कर क्या हो जाए? इतना सा छोटा सा रह जाए, इतना छोटा रह जाए, बाकी हट जाए। तो यहां पर जितना भार पहले पड़ रहा था, अब तो भार क्या हो गया? हट गया। जब भार हट गया तो क्या होगा? ये भार कहीं और जाए गया है, तो पृथ्वी का क्या संतुलन क्या हो गया? अव्यवस्थित होगा, और उसको अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने के लिए भूकंप आएगा। इसको इस रूप में समझो, एक तराजू है बच्चों, यहां पर इतना वजन इधर रखो, इतना वजन इधर रखो। आप क्या करो, अचानक इस वजन को हटा लो, या धीरे धीरे इस वजन को हटा लोगे तो ये भाग क्या हो जाएगा? ऐसे उठ जाएगा। तो पृथ्वी तो ऐसे उठ नहीं सकती, तो क्या करेगी? भूकंप लाएगी, और भूकंप लाके चीजों को क्या करेगी? वह बैलेंस करने का प्रयास करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे बढ़े, चल ठीक। अगला जो फैक्टर है वह है गैसों का फैलाव, अर्थात गैसों के फैलाव की वजह से भी क्या होता है? भूकंप आता है। आपको पता है जल क्या होता है? कई दरारों के माध्यम से अंदर चला जाता है, वाष्प का निर्माण करता है। ये जो वाष्प है अत्यधिक शक्तिशाली होती है, इसके कारण भी क्या होता है? भूकंप आते हैं। अब इसी तरह से आप लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में जो रचनात्मक किनारा देखा था, वहां पर भी क्या हो रहा था? मान लो यह दो प्लेटें हैं, और दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह प्लेट इस डायरेक्शन से, यह प्लेट इस डायरेक्शन से। क्यों इस डायरेक्शन से? क्योंकि नीचे से जो मैग्मा आता है, वह मैग्मा यहां पर आकर बार बार झटका मारता है, और फिर इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, और यह जो डायरेक्शन में संवहनीय तरंगे मैग्मा जाती हैं, अपने पर जो डिपेंडेंट या उनके ऊपर जो प्लेट है उनको भी मूव करा देती हैं, और इसके वजह से क्या होता है? ये प्लेटें मूव हो जाती हैं, बीच में क्या भाग टूट जाता है, और यहां पर क्या होता है? मैग्मा निकलता है। इसको रचनात्मक बोलते हैं। तो देखो, जब इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा होगा, जब इसमें चटकन उत्पन्न हुआ होगा, दरार उत्पन्न हुआ होगा, ये टूटे होंगे, तो यहां पर क्या हुआ होगा? भूकंप आया होगा, और यहां पर भूकंप आते रहते। विनाशात्मक किनारा मैंने प्लेट टेक्टोनिक में आपको बताया ही था। क्या बताया था हमने? वहां पे हमने बताया था ये दो प्लेटें हैं, और यह प्लेटें कैसे एक दूसरे से जब टकराती हैं तो क्या होता है? बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के नीचे चली जाती है, और ये जब जाएगी तो अब देखो यहां पर क्या हुआ? जैसे पहले प्लेटें टकराएंगी तब भूकंप आया होगा, उसके बाद क्या हुआ? यह जो प्लेट अंदर की ओर जा रही है, तो इस प्लेट पर रगड़ फ्रैक्शन डालते हुए जा रही है, तब भूकंप आया होगा। फिर यह जब मैग्मा है, यह मैग्मा क्या होगा? मेल्ट होगा। यह मैग्मा बढ़ फिर से ऊपर आने का प्रयास करेगा, यहां पर भी भूकंप आएगा। और जो संरक्षी किनारा प्लेट टेक्टोनिका, ये भी मैंने बताया था, मान लो ये दो प्लेटें हैं एक दूसरे के अपोजिट है ना, लेकिन ये ऐसी गति करती हैं कि अलग नहीं हो रही हैं, लेकिन इनमें घर्षण हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है। इस प्रकार जब प्लेटें रगड़ खाती हैं तो उससे क्या होता है? भूकंप आता है। तो ये भूकंप के कुछ कारण थे जिसको आपने देखा, जिसको आपने समझा, ठीक है। अब हमने पहले ही आपको बता दिया था भूकंप लाने वाले जो तरंगे हैं वो कहां से होती हैं? फोकस से इपिसेंटर तक, और इपिसेंटर से अन्य दिशाओं में क्या करती हैं? गति करती हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में ये भूकंप, इसको बोल दिया हमने फोकस, इस फोकस से सबसे पहले तरंग यहां आई, इसको बोल दिया हमने इपिसेंटर। अब इसमें क्या कह रहे हैं? फोकस से इपिसेंटर तक तथा इपिसेंटर से, अब देखो जब भूकंपी तरंगे यहां पर आई तो यहां के बाद क्या होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, मूव इसलिए करते हैं, उसमें क्या है? ऊर्जा है। तो नीचे से तरंग आई, उसने झटका मारा ऊपर एक जगह, और फिर वहां से तरंगे फिर से सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो जब इपिसेंटर पर झटका मारती हैं या इपिसेंटर पर पहुंचती हैं, तो भूकंप का जो प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव कहां होता है, और प्रभाव कौन सा होता है? विनाशात्मक, अर्थात क्षति किस कहां पर सबसे ज्यादा होती है? वह होती है इपिसेंटर।
सेंटर पर, लेकिन ईपी सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इनका प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रभाव क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा। जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आपको कहा कि आपको किसी को पीटने जाना है, और जब पीटने जाना है तो आप 5 किलोमीटर दौड़ के अगर जाओगे तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी। और पड़ोसी को अगर पीटना है तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। हालांकि इन चीजों को मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, हिंसा पर उतर मत जाइएगा, ठीक है। जो व्यक्ति जितना सुलझा होता है वह लड़ाई झगड़े से उतना ही क्या करता है, अपने आप को दूर रखता है। आपने कभी जो है कि टाटा जी को लड़ते हुए देखा, आपने बड़े बड़े लोगों को कभी लड़ते हुए देखा क्या? नहीं लड़ते। कौन लड़ता है? हम लोग लड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रांति कर देते हैं ना। ये क्रांति उरांति नहीं होती बच्चों, ये तो क्या होता है, बस आपके मन का बहम होता है कि इस तरह से आपने बहुत कुछ बोल दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, ऊंचा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बड़ा बनिए है ना, सोच बड़ी करना है। और कैसे बड़ी करेंगे सोच, अपने अंदर क्या लाना है, अपने अंदर गहराई लाना है, अपने अंदर पेशेंस लाना है, अपने अंदर क्या लाना है, अपने क्षमता लानी है कि कोई बात बोल भी देता है तो उसका जवाब बहुत सॉफ्ट तरीके से देना है ना। इस तरह की पर्सनालिटी बनाइए, सुलझ जाएंगे। आपने बड़े लोगों को भी लड़ते हुए नहीं देखा है ना, और आपने देखा होगा कि दो लोग रहते हैं जो कुछ भी कर रहे हों, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, मतलब उनके पास क्या है क्या नहीं है वो अलग एक इशू है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर रोड पर लड़ जाते हैं, घर पर लड़ जाते हैं, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, ईश्वर ने हम सभी को ये जीवन दिया है ना, तो इसमें कुछ रचनात्मक करके जाएं, कुछ ऐसा करके जाएं आने वाली जनरेशन कहे कि हमें इस तरह बनना है, ठीक है। आप देखो, आप पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पूरे जीवन को कोई पेड़ों को लगाने में, बचाने में, कोई नदियों को बचाने में, कोई बच्चों की शिक्षा के लिए हर तरह से प्रयास कर। आप भी इसी तरह के क्या बनो, आइडल बनो। और उसके लिए क्या करना होगा, अभी से सीखना होगा, अभी से बर्दाश्त करना होगा। इसलिए बच्चों आप देखो कमेंट में कई लोग मुझे भी कुछ बोल देते हैं है ना, मैं उनका लोड ही नहीं ले पाता हूँ, लोड इसलिए ले पाऊँ, मैं उनका क्या जवाब दूँ है ना। जो लोग मुझसे लड़ने ही आए हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ कर सकता हूँ? अब मैं लड़ के क्या करूँगा है ना, वो मुझसे कौन सा, मेरा जमीन मांग रहे हैं, मेरा घर मांग रहे हैं, तो क्यों लड़ना, ठीक है। उनका मन है, अगर वो कुछ बोलना चाहेंगे बोल के चले जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या चला गया हमारा। अभी हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं तो कोई मतलब नहीं है ना। हमें एक ही काम करना है, हमें क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। और ये तभी हो सकता है जब हम क्या करें, हम उसी पर फोकस करें। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि कमेंट कम करो, ऊर्जा एक जगह लगाओ। मैं कल से आपको ये बात बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि एनर्जी हर जगह देख रहे हो, चाहे ज्वालामुखी के रूप में हो या भूकंप के रूप में, जहां एनर्जी एक रूप में एक जगह लगेगी वह क्या करेगी, कोई ना कोई चेंज लाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि एनर्जी कहाँ लगाते हो है ना। आज जैसे कुछ लोग इसी में वैलेंटाइन डे मना रहे हैं यहाँ पर, तो ये जगह थोड़ी बच्चों वैलेंटाइन मनाने के, कहीं जाओ, बाहर जाओ, घूमो फिरो है ना। यहाँ पर कुछ लोग पढ़ने आए हैं, उन्हीं के बीच में जो है कि फालतू के आप कमेंट करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा है ना। और जो लोग हैं है ना, कि जो लोग ऐसे हैं कमेंट देखते हैं कि कोई फालतू आ गया है, कोई कमेंट कर रहा है, इग्नोर करिए, उससे लड़िए ही मत। क्यों लड़ेंगे, वो 2-4-10 कमेंट करेगा है ना, किसी उद्देश्य से आया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा, चला जाएगा है ना, बस इतना ही, ठीक है बच्चों ना। विवेक जी नाइस थॉट, अरे थॉट हमारे अच्छे नहीं बच्चे, आपके हैं कि आप समझ पा रहे हो, हमारे थॉट कहां से अच्छे हो गए, और तो समझने वाले के होते हैं, आप समझ पा रहे हो तो आपके थॉट अच्छे हैं है ना। हम तो देखो हमेशा आप लोगों से सीखते हैं। आज भी देखो हमने क्या टेलीग्राम चैनल पर हमने क्या लिखा, हम और सब क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चों। परफेक्ट थोड़ी हुए हैं और ना कभी हो जाएंगे, और ना हमें परफेक्ट होना है। परफेक्ट हो जाएंगे तो इंसान नहीं रहे, लेकिन गलतियां इतनी भी ना करो कि मालूम चला हमारा पर्सनैलिटी कुछ अलग बन गया है ना, कैरेक्टर ही कुछ अलग बन गया। सुलझना है ना, समझदार बनना है, विवेक है ना हमारे अंदर, हम लोग इंसान है तो उसी रूप में आगे बढ़ना। चलो बहुत हो गया, चलो आ जाओ टॉपिक पर, ठीक है। तो अब देखो पहला फैक्ट तो क्लियर होगा, दूसरा फैक्ट ये है बढ़ती दूरी के साथ जो है कि क्या होता है। हाँ, अब देखो ईपी सेंटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रभाव कम हो जाता। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भूकंपीय तरंग है,
ठीक है, भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक नुकसान कहां पहुंचाती हैं? तो आप कहना कि भैया सर्वाधिक नुकसान वह एपी सेंटर पर पहुंचाती हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी वहीं पर लगती है। चूंकि यहां पर पूरी एनर्जी एक बार लग चुकी है, तो बढ़ती दूरी के साथ यह एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो उनके द्वारा जो विध्वंसक जो प्रभाव है वह भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे कि आपने कुछ समय बच्चों पहले नेपाल में भूकंप आया, तो आप उसको नेपाल का भूकंप क्यों कहते हो, क्योंकि उसका जो एपिसेंटर है वह कहां था, यह हुआ था नेपाल में, और उसकी वजह से वहां पर ही क्या हुई, सर्वाधिक क्षति हुई। अन्यथा वह जो भूकंप था नेपाल वाला, उसका प्रभाव तो अफगानिस्तान तक देखा गया, लेकिन हम उसको अफगानिस्तान का भूकंप क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि उसका एपिसेंटर कहां था, नेपाल में था, वहीं पर सर्वाधिक क्षति हुई। ठीक है भैया, ठीक है ना। ठीक है, चले पढ़े। वैलेंटाइन तो पश्चिम का हिस्सा अपना नहीं, अच्छा ठीक ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या चीज कैसे है, वो अपने हिसाब से। चलिए ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर्वप्रथम जो है जब भूकंप आता है तो भूकंप ऐसा नहीं होगा कि पहला ही झटका आए और एकदम नुकसान पहुंचा दे। देखो भूकंप से इसीलिए आपने देखा हुआ टीवी पर ऐड आता रहता है, ये एक जो है कि प्रश्न मेरे ही एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया था, उससे ये पूछा गया था कि जब भूकंप की जो सूचना मिलती है तो लोग बाहर क्यों आ जाते हैं, क्या आपको बाहर आना वैज्ञानिक लगता है, क्योंकि भूकंप तो आ गया तो अब बाहर आने का क्या मतलब। अब इसका प्रश्न आप बताओ उत्तर बच्चों, चलो आप बताओ कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब भूकंप आया और एक बार आप निकल गए तो आपका निकलना कोई मतलब वाला नहीं है, बताओ तो। बहुत इधर उधर की बातें करते हैं आप लोग, बताइए बताइए बताइए, क्या आपको ठीक लगता है कि एक बार भूकंप आया तो आप बाहर आ जाते हो, क्यों आते हो बाहर, अब तो भूकंप आ गया है ना, अब बाहर निकल के क्या फायदा है, क्यों निकलते हो बाहर, क्या आप अवैज्ञानिक सोच वाले हो इस वजह से बाहर निकल जाते हो, बताओ जल्दी बताइए फिर आगे बढ़े। लग रहा है आप लोग आपस में बात करने आए हो, रिप्लाई चलो कर लो बात कर। देखो होता क्या है, जब भूकंप आता है ठीक है, इसको इस रूप में समझो, जब भूकंप आता है तो भूकंप जब आया तो भूकंप क्या है, मैंने पहले ही बताया एनर्जी है, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी एनर्जी एक ही साथ आकर पृथ्वी पर झटका मारे। होता क्या है, जो एनर्जी है यह पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुई होगी, और जब अंदर से यह चली होगी, जब यह अंदर से क्या होगी चली होगी, तो इसमें कई तरंगे उत्पन्न हुई होंगी, तो धीरे धीरे यह पूरी ऊर्जा एक डायरेक्शन में बढ़ेगी। होता क्या है कि सबसे पहले जो सबसे छिड़ कंपन है वह आता है, और उसके कुछ सेकेंड बाद या फिर कुछ मिनट बाद एकदम शक्तिशाली वाला भूकंप आता है। इसलिए जब आपको लगे कि कोई महसूस हुआ कंपन, कुछ देर के लिए जरूर बाहर चले जाओ। कितने मिनट के लिए, कम से कम 12 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, क्योंकि एक जो है कि तरंग के बाद लगभग 11 मिनट 2 सेकेंड का बाद तक 11 मिनट 2 सेकेंड तक दूसरी लहर के आने की संभावना बनी रहती है। तो अगर कहीं पर भूकंप आए तो यह मत मान लेना कि भूकंप आकर चला गया, जैसे नेपाल में हुआ था। तो नेपाल में क्या हुआ था बच्चों, जब भूकंप 2015 में आया तो जैसे ही भूकंप आया कुछ लोग बाहर निकल गए। एक बूढ़ी माता जी थी जो चल नहीं पा रही थी, है ना, जो चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डंडे का सहारा लेके चलने का प्रयास किया, और वह कुछ दूर पहुंची थी, भूकंप आया और क्या हुआ, वह बच गई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसको कहा ठीक है आया अब चला गया अब क्या करना, तो
उनके जो रिश्तेदार बचे थे उन चूंकि उन आपस में बात हुई होगी, मान लो एक परिवार है उसमें चार लोग थे तो दो लोगों ने कहा कुछ नहीं अब आया चला गया, और जो लोग बाहर चले गए वो बच गए और जो लोग रह गए वो क्या हो गए, उसे में भगवान को प्यारे हो गए। इसलिए जब भी भूकंप आता है तो पहला जो झटका होता है वह क्षण भूकंप होता है, हो सकता है उसके 2-4-7-5 सेकंड बाद तीव्र झटका। इसलिए जैसे ही पता चले कुछ देर के लिए कम से कम 12 मिनट के लिए तो बाहर जरूर चले जाओ, इससे क्या होगा जो पिछला झटका तीव्र गति से आने वाला है उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है चल आगे बढ़ा। तो सर्वप्रथम छिड़ भूकंप आता है और इसका सिस्मोग्राम पर अंकन जो है कि बहुत मुश्किल से हो पाता है, ये इतना कमजोर होता है कि इसका अंकन भी नहीं हो पाता। अगर आप महसूस कर लो तो मतलब समझ लो कि नीचे से कुछ ना कुछ हो रहा है, अब बाहर निकल जाए। ये जो पहला जो सबसे बहुत धीमी गति का कंपन होता है इसको प्राथमिक कंपन बोलते हैं। उसके बाद होता है द्वितीय प्राथमिक कंपन, ठीक है, जो कि इससे थोड़ा सा मजबूत होता है, और सबसे लास्ट में होता है जो है कि मेन ट्रेमर, इसको बोलते हैं प्रधान कंपन। ये जो प्रधान कंपन होता है इससे सबसे ज्यादा क्या होती है, क्षति होती है। तो अगर आप देखो तो छिड़ कंपन है ना, जिसका अंकन सिस्मोग्राम पे बड़ी मुश्किल से हो पाया है, उसके बाद ये जो प्रधान कंपन है उसमें आने में कुछ समय लगता है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही पता चले भूकंप आया है आपको बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा भूकंपी तरंगों को हम जान लेते हैं और समझते हैं कि इनका क्या क्या कैसे स्वरूप होता है, कैसे रोल अपना प्ले करते हैं। ठीक है चलो, प्राथमिक अथवा जो है कि प्रधान तरंगे सर्वाधिक गति होती है। प्राथमिक क्यों कहते हैं इनको, और शॉर्ट में इसको प्राइमरी का पहला पी ले लिया गया है, पी तरंग इसको बोलते हैं, क्योंकि धरातल पर सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं। इस वजह से पहुंचती है क्योंकि गति इनकी क्या है, सर्वाधिक है। अब देखो यह एक तरंग यह है, ठीक है बच्चों, ऐसे एक तरंग, ठीक है, और यह तरंग यहां पर इसको पहुंचना था, दूसरी तरंग यह है, ठीक है, दूसरी तरंग यहां ये तरंग। अब ये तरंग है तो ये सबसे पहले पहुंच रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी तरंग कहेंगे। यह जो तरंग होती है जिसको हम ए बोल रहे हैं, जिसको हम पी तरंग बोलते हैं, प्राइमरी तरंग, यह इसकी विशेषता ध्वनि तरंगों के समान होती है, और इसमें अणुओं का कंपन, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं देख लो ध्यान से, अणुओं का कंपन ध्वनि तरंगों के समान होता है, या फिर जो है कि इसमें क्या होता है, आगे पीछे होता है। अर्थात ये जो तरंग है, देखो जैसे मैंने ये बनाया है, इसमें तरंग क्या होता है, ये तरंग ऐसे बढ़ती है, इसमें तरंग क्या होता है, ऐसे आगे बढ़ी थोड़ा सा पीछे, आगे बढ़ी थोड़ा सा पीछे। अर्थात यह जो तरंगें होती हैं इनमें ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते जैसा कि यह बी तरंग में है। यह जो बी तरंग है यह बोलते हैं इसको एस तरंग, अर्थात सेकेंडरी तरंग। यह जो तरंगें हैं कैसे ऐसे ऐसे, जैसे मान लो दीवार है ना, ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पैरेलल ऐसे करते हुए निकल जाती है, लेकिन इनकी गति क्या होती, काफी ज्यादा होती है, इसी के कारण इनको बोला जाता है पी तरंग, और ध्वनि तरंगों के समान इनके अणुओं का कंपन होता है। ठीक है बच्चों, ज्यादा इसमें जो काम की चीज है वही देखेंगे, ठीक है हाँ। और ये अणुओं का कंपन लहरों की दिशा में, लहरों का दिशा का मतलब क्या है, देखो मान लो यहां से तरंग उत्पन्न हुई और यह ऐसे जा रही, ठीक है, तो ये जो इसमें कणों का कंपन है, यहाँ कण जो आगे पीछे हो रहे हैं ये किस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन, यहां पहुंची है ये तरंग तो इस डायरेक्शन में अणुओं का कंपन हो रहा है। यह जो कि आगे पीछे अर्थात ऐसे चलती आगे पीछे चलती हैं, तो ये दबाव उत्पन्न करती हैं। आप ही देखो बच्चों, लाइन में लगे हो है ना, लाइन में लगे हो, लाइन थोड़ा सा आगे बढ़े आप आगे बढ़ जाते हो, रुक जाती हो तो फिर थोड़ा सा क्या जाते हो, आप पीछे आ जाते हो, यह झटका लगता है। तो जिस तरह से लाइन आगे पीछे बढ़ती है ना, जैसे आप ऐसे अचानक चले जा रहे हो, लाइन रुकी आप तुरंत क्या होगा, लोग रुकेंगे, अब क्या होगा, थोड़ा आपको पीछे आना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपके ऊपर दबाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं दबाव वाली तरंग। अब जहां पर चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ये पी तरंगों की बात कर रहे हैं, तो पी तरंगों की एक विशेषता यह है, जिसको मैंने आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना में भी बताया था, कि जिस माध्यम का जहां पर तरंगे चल रही हैं अगर उसका घनत्व ज्यादा होगा तो इनकी गति भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो पी तरंगे हैं यह क्या करती हैं, जहां पर इनको खूब ठोस भाग मिलता है,
ठोस का मतलब ग्रेनाइट चट्टाने खूब तेजी से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये तरल में गति करती हैं तो इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके दो अर्थ हैं, इसके दो अर्थ कैसे हैं कि जब ये तरंगें स्थलीय भागों में गति करती हैं तो तीव्र गति से करती हैं, लेकिन जैसे ही जलीय क्षेत्र में महासागरीय क्षेत्रों में ये तरंगें पहुंचते हैं इनकी गति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, ये जो पी तरंगें हैं इनकी औसत गति मानी जाती है 8 किलोमीटर। ये जो जितने फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए याद रखें। इनकी जो औसत गति होती है 8 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन ये जो गति है वेरी करती है, डिपेंड करती है माध्यम पर, घनता पर। अधिक सघन माध्यम अधिक गति, तो इसी के कारण इनकी जो गति है 8 से लेकर 14 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की दर से यह आगे बढ़ती है। तो जब इतनी गति है तो आप समझ सकते हैं इसका प्रभाव कितना ज्यादा। तो अगर आपसे कोई पूछे पी तरंग की औसत गति कितनी है तो 8 किलोमीटर, और अगर उसको पूछे कितने से लेकर कितने तक तो 8 से लेकर 14 तक इसकी स्पीड होती है। ठीक है बच्चों, चलो यह हुआ आपका प्राइमरी तरंग। अब दूसरी है सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंग। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट किसके करते हैं, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो गति होती है एस की पी से कम होती है, इसी के कारण यह जो है कि पी के बाद पहुंचती है, द्वितीयक तरंग कहते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, जो तरंग की विशेषताएं हैं, जल तरंग और प्रकाश तरंग की है। जैसे पी के तरह की थी ध्वनि तरंग की तरह विशेषता थी, इसी तरह यह जो तरंग है एस तरंग इसकी विशेषता इसकी जल तरंग और प्रकाश तरंग की तरह होती है। इसमें जो खास है वह यह है कि इसमें जो अणुओं का कंपन है वह लहर की दिशा के समकोण। अब देखो लहर यह ऐसे जाती है, ये देखो लहर उत्पन्न यहां से हुई, जाना इसको यहां पर है, लेकिन ये सीधे नहीं जा रही, ये देख रहे समकोण पर। अब क्या करती है, ये जो समकोण पर ऐसे चल रही है, अगर आपका घर यहां पर है तो ये क्या करेगी, आपके घर को ऊपर नीचे ऐसे झटका मारते हुए चलेगी। जैसे मान लो यह है ना, ठीक है, ऐसे झटका मारते हुए, ऐसे ऊपर झटका मारते हुए क्या होगी, ये चलेगी, और जब ये चलेगी तो क्या होता है, इसी के कारण इसको आड़ी तरंग, क्योंकि यह जो आप देखो यह क्या करती है, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ रगड़ कर नहीं चलती, ऐसे ऊपर उठाते हुए उसको झटका मारते हुए चलती। एक बार उसने झटका मारा, छोड़ा, फिर झटका मारा, ऐसे जैसे मान लो कि कोई हथौड़ा से मार रहा, तो स्वाभाविक है जब इस तरह की ये तरंगे हैं तो क्या करेंगी, ज्यादा क्षति पहुंचाएंगी, और इसी के कारण ये ज्यादा क्षति पहुंचाती है। तो इनसे जो नुकसान होता है वह पी तरंगों की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक, इनको क्या बोला जाता है, विध्वंसक लहरें भी बोला जाता है, विध्वंसक तरंगे भी बोला जाता है, क्योंकि इनसे जो नुकसान होता है वो पी तरंगों की तुलना में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जो है झटका मारते हुए चलती है। ये कैसे महसूस करोगे इसका एग्जैक्ट फॉर्म, तो वह मैं बताता हूं। आपने देखा है, आप कभी ट्रेन में गति करते हो तो ट्रेन चलते चलते कभी इतनी स्पीड पकड़ लेती है तो ऐसा लगता है कूदते हुए चल रही, देखा है कि नहीं देखा। ठीक इसी तरह से ये जो तरंग जब ऐसे ऊपर नीचे उठने लगती हैं तो यह तरंग भी जब स्पीड में इसी तरह से चलती हैं तो इनसे क्या होता है, ज्यादा विध्वंस होता है, ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है बच्चों, ये जो पी तरंग एस तरंगे हैं इनको ही विध्वंसक तरंग बोल रहे हैं, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ रहे थे कि तरल जो भाग होता है, माध्यम होता है, उससे ये पास नहीं हो पाती, अर्थात जो लिक्विड जहां पर भी आएगा लिक्विड वाले एरिया में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, और इसी के कारण सागरीय क्षेत्र में इनसे नुकसान नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सागरीय क्षेत्र में पी तरंग कितना नुकसान करती है तो कह देना कि सागरीय क्षेत्र में वो गति नहीं कर पाती, जल वाले माध्यम में वो गति नहीं कर पाती, वह सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा ना, समझ में आ रहा ना। ये कौन लड़ने लग गया, फिर लोग आप लोग लड़ने लग गए, आप लोग फिर लड़ने लग गए, बताओ मैं अभी यही चीज समझाया है ना, कि आप लोग लड़िए मत, आप लोग आपस में ही लड़ने लगते हो।
जो आपको पढ़ना है देखो, मतलब ना आप कमेंट के चक्कर में पढ़ो ही मत ना बच्चों। चलो ठीक। हाँ तो अब हम लोगों ने पहुंच इस तरह के विषय में पढ़ रहे थे। अब अगला जो है वह है हमारी जो धरातलीय तरंगें, ठीक है, धरातलीय तरंग, ये इसको थोड़ा सा लहरें हैं, ठीक है बच्चों, लहरें, धरातलीय। अब जो धरातलीय तरंगे हैं इनको हम डिनोट करते हैं एल वेव से, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव से भी बोलते हैं, है ना। एक लव महोदय थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। जी हाँ, वही लव जो आप आजकल करते हैं, तो उसी के नाम पर एक व्यक्ति था, उसने खोज की थी, तो उसी के से ये एल वेव आया। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो है कि लॉन्ग वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यह जो तरंगे होती हैं, जिन एल वेव जो होती हैं, यह क्या होती है, अन्य की दो की तुलना में क्या होती हैं, यह ज्यादा जो है कि घातक होती हैं। और ज्यादा इस वजह से घातक होती हैं क्योंकि यह सरफेस पर ही अर्थात धरातल के ऊपर भाग वाले भाग पर क्या करती हैं, गति करती। इसीलिए भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लव को सबसे क्या माना गया है, खतरनाक माना गया है। जिस तरह से लव के कई साइड इफेक्ट जो है कि आप देखते हो, आपने बगल में भी देख रहे हो, यहां पर तो मैं चैट में भी देख रहा हूं, है ना, ठीक उसी तरह से यहां पर क्या होता है, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में भी क्या होता है, जो एल वेव है जो सरफेस पे चलती है, इसका जो प्रभाव होता है विध्वंसक वह सर्वाधिक होता है। और ये कहां होती है, सरफेस पर ही मूव करती है। ये जो है एल वेव सर्वाधिक लंबी तरंगें होती हैं और जैसा कि मैंने बताया ये सरफेस पे ही गति करती हैं। इसी के कारण गहराई में जैसे ही तरंगें पहुंचती हैं ये क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और यह जल, इनकी एक और विशेषता यह है कि जल और थल दोनों में ही क्या करती हैं, गति करती हैं, ठीक है। यह क्या करती हैं, जल और थल दोनों में गति करती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल वेव जो है सिर्फ स्थलीय भाग पर गति करती है, तो कहिएगा नहीं, ऐसा नहीं है, यह जल और स्थल दोनों ही भागों में क्या करती हैं, गति कर सकती हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। इनकी जो औसत गति होती है वह होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों कितना कमेंट करते हो आप लोग, आप लोग क्यों नहीं चुपचाप पढ़ते हो, नुकसान पी वेव ही हार्मफुल होती है। रिप्लाई सर डाउट क्लियर तो कर दो। अरे बच्चों आप इतना कमेंट करते हो, आपके डाउट्स ही नहीं क्लियर होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, आप जो है कि टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाओ और क्लास की इसी क्लास के लास्ट में मैं सभी का रिप्लाई दूंगा। अब आप खुद सोचो, मैं आप सभी के रिप्लाई देने लगूं जिसमें कई तो मान लो डाउट्स वाले हैं बाकी चीजें, तो पढ़ोगे कब, फिर कहोगे कि सर टाइम पास करते हैं। हमें टाइम पास करने नहीं आए बच्चों, हमें तो सिर्फ पढ़ाना है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों, आराधना जी प्लीज, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, बलन की क्रिया होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, इसके कारण वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं। ऑप्शनल के लिए भी क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आप जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहा हूँ, और इसमें इतनी सूचनाएं हैं कि आप इसके ऑप्शनल के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखिए, जरूर सॉल्व होंगे। सर मैं पढ़ रही हूं, प्लीज आप पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे समझकर पढ़ रहे हो तो माइंड में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप देखो आप कमेंट कितना करते हो आप लोग, इतना दम, अगर सोचो ना आप अपने, अगर आपका दिमाग इतना तेज है तो थोड़ा सा उसको रोक कर कंट्रोल करो, कुछ चीजें खुद से भी तो पूछो, है ना। बहुत से चीजों का आंसर आप खुद दे सकते हैं, है ना, खुद दे सकते हैं। सर हैंड टू हैंड जब 2 बार झटके लगते, बच्चे मेरा आपका मुझे जो है कि कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हो। अगर देखो आपका अगर प्रश्न ये है कि बार बार अगर झटका आ रहा है, कहीं भूकंप लग रहा है,
तो उसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग ईपी सेंटर नहीं बनेगा, ठीक है, ईपी सेंटर एक ही होता है, ईपी सेंटर एक ही होता है। तरंगे एक, जैसे मान लो पहली जो तरंग आई वो बस जो पीछे से एनर्जी वाली तरंग आ रही है उसके लिए बस एक रास्ता बनाते हुए आ रही है और वहीं पर टकराएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, कोई चीज गिराते हो, है ना, बड़ी सी चीज है कोई गिराते हो, है ना, तो वो उसके आगे कोई छोटी छोटी चीज जा रही है तो डायरेक्शन वही होगा, ईपी सेंटर भी वही होगा, है ना, बस वहीं पर टकराएगी, ऐसा नहीं होगा कि बार बार ईपी सेंटर चेंज हो, तो इससे तो बहुत वो हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ईपी सेंटर बच्चों एक ही होगा ना, ईपी सेंटर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज बच्चों कमेंट के चक्कर में मत पड़ो, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आपका डाउट्स क्लियर हो गए, प्लीज, है ना, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप खूब पढ़ो, खूब समझो, आप अपने आप से जो है कि प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करो, और जब नहीं हो तो आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल में लिख देना, मैं वहां पर रिप्लाई दे पाऊंगा तो दे पाऊंगा, नहीं तो मैं आपसे बोल दूंगा कि आप क्लास के बारे में पूछ लिए। जैसे आज भी आप लोगों ने टेलीग्राम पर कई प्रश्न लिखे थे, तो मैं जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके बाद 2-3 मिनट में आपसे बात करूंगा, उसी में सभी के प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा। तो इससे क्या होगा ना बच्चों, क्लास का डेकोरम एक बना रहेगा, नहीं तो सोचो आप कुछ लोगों का तो प्रश्न है, बाकी सबका तो ये प्रश्न है नहीं, मैं उसका जवाब देने लगूं तो क्या होगा, व्यक्तिगत तौर पे मैं जवाब देता रहूंगा तो पढ़ कब पाएंगे, और इससे फ्लो भी खराब होता है, दूसरे बच्चे आएंगे उनको लगेगा सर तो बच्चों से बात कर रहे हैं, आप समझिए ना हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ना। अच्छा एक काम आज जरूर करिएगा प्लीज, आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसी क्लास खत्म होगी, है ना, आप वीडियो चूंकि अवेलेबल होगा इसकी लिंक अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें, आपके टेलीग्राम से जुड़ सकें, और हम अधिक से अधिक लोगों को लेकर आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चों। तो हम लोगों ने 3 तरंगों को पढ़ लिया, और अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, इसलिए कमेंट अगर आप करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है, जब तक कि टॉपिक खत्म नहीं कर लूं मैं कमेंट नहीं देखूंगा। तो अगर साउंड की कोई प्रॉब्लम आए, है ना, देखने में कोई प्रॉब्लम आए तो ही कीजिएगा, मैं कमेंट पर अब नहीं आने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो अब हमने देख लिया, पहला तरंग देखा हमने पी तरंग, उसके बाद देखा हमने एस तरंग, ठीक है, तीसरा हमने देखा एल तरंग, ठीक है, ये तरंगे देख ली, है ना, हमने हमको पता चला कि इसकी जो गति है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यह इसके पी के बाद एस गति आती है, इसकी गति एस की जो है वह पी से जो है कम होती है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वह क्या करती है, इस रूप में ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अर्थात ये देखो ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से चलती है, इसके वजह से एक सबसे घातक जो है कि मतलब घातक होती है, सबसे घातक तो ये वाली होती है, एल वाली होती है, एल वाली क्यों घातक होती है, क्योंकि ये जो पी और एस है ये पृथ्वी के अंदर आंतरिक भागों में भी गति करती है, लेकिन जो एल तरंग है ये सिर्फ पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में ही गति करती है, लंबी दूरी तक गति करती है, और चूंकि ये ऊपर वाले भाग में ही गति कर रही है, जहां पर अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमारे और आपके घर बने हुए हैं, उसी की वजह से नुकसान से ज्यादा ऐसे होता है। इसके अलावा ये जो तरंगे हैं ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला एक तरंग है पीजी तथा एसजी तरंग, ठीक है, तो पीजी और एसजी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो इनकी जो गुण है पी और जी एसजी के, ये विशेषताएं हैं, पी और एस तरंग के समान है, लेकिन पी की गति इनकी जो है कि क्या है, पी और एस से कम। फिर से देखो ये जो पीजी और एसजी, इसमें देखो शब्द क्या है, यहां पर पी तरंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस तरंग पहले ही पढ़ चुके हैं, इनके साथ क्या जुड़ गया, जी, स्मॉल जी जुड़ा है, तो यह बता रहा है कि जो पीजी और एसजी तरंगे हैं इनकी विशेषताएं अर्थात प्रकृति, चलने की गति, दिशा, उस चलने की दिशा और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रभाव वह कैसा है, पी और एस की तरह से, लेकिन क्या होता है, इनकी जो गति होती है पी और एस से कम होती है, इसीलिए इनको एक अलग रूप में देखा जाता है, पीजी और एसजी। तो पीजी और एसजी कौन सी तरंगे हैं, वह तरंगे हैं जिनकी
की विशेषताएं है ना, विशेषताएं पी और एस से मिलती जुलती हैं, लेकिन गति क्या है, पी और एस से कम है, तो ऐसी तरंगों को पी और एस से अलग करने के लिए नाम दिया जाता है पीजीएसटी। इसकी जो खोज हुई थी 1909 में क्रोशिया में जो भूकंप आया था तब इनका पता उसी समय लगाया गया था। तो इस तरह से जो पीजी और एसजी तरंगे हैं इनकी गति कहां हमको पता चली, पी और जी, ठीक है, पीजी और एसजी इनकी गति कितनी है, वह पी और एस से क्या है, कम, ठीक है, पी और एस से कम, ठीक है, आगे बढ़ते। फिर और ये जो पीजी और एसजी तरंगे हैं इनकी गति कहां करेंगी, ये पृथ्वी के ऊपरी परत पर, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी परत पर ही क्या करेंगे, सिर्फ गति करेंगे, भ्रमण करेंगे। पीजी की जो गति है वह 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड, एसजी की गति जो है 3.3, यहां पर 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब देखो उसके बाद है P स्टार S स्टार, इनकी जो गति है PG SG के P और PG तथा S और SG के मध्य, अर्थात अब ध्यान से देखना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट हो सकता है, किसकी गति किससे कम किससे ज्यादा होता है। यहां पर क्या लिखा है, एक है P स्टार, ठीक है, दूसरा है S स्टार, ठीक है, S, ठीक है। अब देखो इसके विषय में एक कलर चेंज कर, इनकी जो गति है P स्टार P और PG तथा SG के मध्य, देखो इनकी गति P और एक तरंग थी PG, अब मैंने P की गति कितनी बताई थी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, PG की गति कितनी लिखी हुई है 5.4, तो इनकी जो गति है P और PG के मध्य, अर्थात ये जो P स्टार है यह कहां पर आएगा, कहीं यहां पर, अर्थात इसकी जो गति है 5.4 से ज्यादा और 8 से कम होगी। ठीक इसी तरह से मैंने यस जो तरंगे थी इनकी जो औसत गति लगभग कितनी है 4 किलोमीटर है ना, और जो PG की गति सॉरी SG की गति है वह 3.3, तो यह जो आपका S स्टार है वो S स्टार की गति कहां होगी, इसके बीच में, अर्थात 3.3 से लेकर 4 के बीच में इसकी कहीं होगी। तो सबसे निम्न गति वाले जो तरंगे हैं वह कौन सी रहेंगे, आपकी यह जो है आपकी PG और SG, ठीक है, PG और SG की तरंगों की गति क्या होगी, सबसे कम होगी, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसको स्टेटमेंट के माध्यम से क्या हो जाएगा। सर क्लास कब से लगी है, बच्चों 3:15 पर डेली क्लास होती है, ठीक है, 3:15 पर डेली क्लास होती है, और अगर कोई टाइमिंग को लेकर कोई अपडेट कोई परिवर्तन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, और टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है मैं आपको 1-2 घंटे पहले ही बता देता हूं कि क्लास कब स्टार्ट होने वाली है, अदरवाइज आप 3:15 पर आप क्लास को देख सकते हो, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो P स्टार और S स्टार इसकी जो गति है P, PG और S और SG के मध्य होती है, ठीक है, यह मध्यवर्ती भाग, P और स्टार और S स्टार कहां चलती हैं, यह मध्यवर्ती भाग, ठीक है, और इनकी गति यहां पर लिखी हुई। तो सबसे निम्न गति वाली तरंगों को अगर पूछा जाए कि कौन सी है, P है, S है, या फिर जो है कि P स्टार है, S स्टार है, इसी में जो है कि PG है, SG है, तो सबसे कम जो गति की होगी किसकी होगी, SG है ना, PG को मत ले लेना, PG को, PG की गति तो SG से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो सबसे कम गति की P और G, PG SG, और अगर इसमें से भी सेलेक्ट करना हो तो SG, क्योंकि P के साथ जुड़ा हुआ है जो जी, वो P क्या है, ज्यादा वाला, P की तुलना में S की कम क्या होती है, कम होती है, तो इसलिए SG क्या होगा, सबसे निम्न गति वाली तरंग होगी, ठीक है जी, बताइए। ठीक है बच्चों, चल अब देखो ये जो अब वो कुछ जो है कि स्केल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें जानने हैं। तो जितने भी भूकंप होते हैं इनका जो मापन होता है वो किस पे होता है, सिस्मोग्राफ पे इसका क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। मापन का मतलब है कि किस पर हम इसको नापते हैं, वह इस पर, सिस्मोग्राफ पर।
अब ये जो सिस्मोग्राफ है इसके लिए कई स्केल यूज होते हैं। स्केल का मतलब है देखो मापन एक यंत्र है, सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, उसमें कई तरह के आप स्केल लगा सकते हो। जैसे स्केल क्या होता है आपने देखा होगा ना, आप ड्राइंग करते थे तो एक स्केल आता था 6 इंचेस का, उसमें सेंटीमीटर वगैरह लिखा रहता था। ठीक इसी तरह से ये जो सिस्मोग्राफ है इसमें कई इस तरह के स्केल यूज होते हैं। पहला है रिक्टर स्केल। जो रिक्टर स्केल है इसका जो है कि विकास हुआ था, किया गया था चार्ल्स ई रिक्टर के द्वारा 1935 में, और यह जो स्केल होता है इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। अर्थात मान लो यह एक ऐसा स्केल है, इस प्रकार का यह स्केल है जिसमें 0 से लेकर 9 तक के क्या होते हैं, अंक होते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मान लो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ना, और लास्ट में 9, तो इसमें क्या होता है प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता को क्या करती है, डिनोट करती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से जब यहां पर आएगा तो इसका मतलब क्या है, 10 गुना वृद्धि हो चुकी है। यहां से इतने यहां तक आएगा 10 गुना। इसीलिए देखो आप जैसे देखते हो इंचेस के जो आप स्केल होता है उसके बीच में सेंटीमीटर लिखा रहता है ना, उसके बीच में हर इंच 2 इंच के बीच में सेंटीमीटर होता है। ठीक इसी तरह यह 1, 2, 3 के बीच में भी छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर 2 के बाद 3 तीव्रता का भूकंप आता तो 10 टाइम उससे क्या है वह ज्यादा गति वाला, ऊर्जा वाला। ऐसी 3 से 4 का बीच, 3 के बाद अगर 4 तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे क्या है 10 गुना ज्यादा जो है कि प्रभाव भी है। तो ये था आपका रिक्टर स्केल जो कि काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है मर्केली स्केल। ये क्या है, अनुभव प्रधान स्केल है, और अनुभव प्रधान का मतलब ये होता है कि जब भूकंप आता है तो उसको महसूस किया जाता है और उसके आधार पर बताया जाता है कि इसकी तीव्रता कितनी है, और इसका जो निर्धारण होता है इसमें 1 से लेकर 12 तक का इसको वैल्यू दिया जाता है कि अर्थात जैसे आया देखा कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या हमने अनुभव किया, कितनी क्षति हुई, उसके आधार पर 1 से लेकर 12 तक की तीव्रता इसमें दी जाती है। तो ये आपका मर्केली स्केल है। ठीक बच्चों, उसके बाद आता है रॉसी फेरल स्केल। ये रॉसी जो फेरल स्केल है इसमें ऊर्जा की कुल मात्रा का निष्कासन और क्षेत्रफल का विस्तार मापा जाता है। अब देखो ये जो रॉसी फेरल है इसमें क्या कहा जा रहा है, ऊर्जा टोटल कितनी निकली और कितने एरिया पर इसका असर हुआ, इसके इसको देखा जाता है, इसको बोला जाता है रॉसी फेरल स्केल, और इसको एमएम स्केल भी बोला जाता है, मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल भी बोला जाता है। और इसमें 1 से लेकर 11 तक के क्या होते हैं, हम डिजिट यूज करके और उसके आधार पर इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या है सबसे बड़ी बात है कि टोटल ऊर्जा कितनी निकली और कितने बड़े एरिया में निकली। अगर मान लो एक ऊर्जा एक इतने बड़े एरिया में एक ऊर्जा का प्रभाव है तो ज्यादा होगा, इतनी ही ऊर्जा निकले, ऊर्जा इतनी ही निकले लेकिन इसका प्रभाव क्या हो, इतने बड़े एरिया में हो तो क्या हो जाएगा, इससे होने वाला नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह है आपका रॉसी फेरल स्केल। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब जो है कि इसका वितरण देख लेते हैं। तो वितरण में देखो पहले ही मैं बता चुका था, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले ही आपको सभी चीजें बता दूं। तो यहां पर आपको क्या करना है, प्लेट टेक्टोनिक वाले एरियाज को, प्लेट टेक्टोनिक का जो टॉपिक उसको पढ़ लेना है, और उसको जब आप पढ़ोगे तो मैंने वहां पर रचनात्मक, ठीक है, उसके अलावा विनाशात्मक और संरक्षित किनारा बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर संक्षेप में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। तो 63% जो भूकंप है यहां पर आते हैं, और यह जो पेटी है इसके विषय में मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक शब्द दिखाया था मैंने, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर का जो लोकेशन है, जो मैप है, मैंने दिखाया था और मैंने कहा था यह दक्षिण अमेरिका से होते हुए, उत्तर अमेरिका से होते हुए, फिर यह जो कहां पे आ गया था आपका, रूस के पूर्वी भाग से होते हुए, जापान होते हुए, यह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक इस तरह से। तो यह जो प्रशांत महासागर
सागर का किनारा है, जिसके अगर आप इसको यहां पर देखो तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यह आप जो है कि एशिया देख लो, ये द्वीपीय क्षेत्र देख लो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहां तक इसका विस्तार। तो यह जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है जिसका मैप दिखा चुका हूं, और आप अगर चाहें तो रिंग ऑफ फायर का मैप देख सकते हैं। यहां पर सर्वाधिक 63% भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर विनाशात्मक किनारा है। विनाशात्मक किनारा क्या है, मैं इस क्लास में स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। और यहां पर विनाशात्मक किनारा कौन सा है, जहां पर महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, अर्थात इनका अभिसरण होता है, महासागरीय प्लेटें भी टकराती हैं, और इसी के कारण इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया ज्यादा होती है, ज्वालामुखी द्वीप ज्यादा मिलते हैं, यहां पर जो है कि ओशन ट्रेंच ज्यादा मिलते हैं, यहीं पर आपको मैंने बताया था कॉर्डिलेरा ज्यादा मिलते हैं। और यह सभी क्रियाएं कैसे हो रही हैं, ज्वालामुखी की क्रिया से हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो रही है, प्लेटें टकरा रही हैं, प्लेटें घर्षित कर रही हैं, उसके कारण से हो रहा है। तो यहां पर ये जो प्रशांत तटीय क्षेत्र है यहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। उसके बाद दूसरी जो पेटी है जहां पर 21% भूकंप आते हैं वह है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहां पर 21% भूकंप आते हैं। और यह जो एरिया है इसको कैसे समझोगे, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको एक जो है कि महाद्वीप बताया था, और वह महाद्वीप कौन सा था, वह महाद्वीप था आपका यह अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है बच्चों, मेरा अफ्रीका ऐसा है, आप अपना अच्छा बना लेना, ठीक है। और इसके इधर आपको मैंने बताया था यह यूरोप है, यह भूमध्य सागर है। तो अब देखो यहाँ पर आल्पस पर्वत से लेकर इधर से ऐसे आल्पस पर्वत, कॉकेशस पर्वत, हिमालय से लेकर यह जो प्लेट है जिसमें हमारा हिमालय क्षेत्र भी शामिल होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं मध्य महाद्वीप पेटी, जिसका चित्र जो है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में उसके कारणों की व्याख्या मैं करवा चुका हूं। आप में से कोई सिविल की, अरे बच्चों क्या क्या पूछते हो, ठीक है। विश्व के 21% भूकंप क्या होते हैं, यहां पर आते हैं। और यहां पर क्यों आते हैं, क्योंकि महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेटों का यहां पर अभिसरण होता है। और यहां पर जो भूकंप आते हैं ये पूछा जा सकता है किस प्रकार के भूकंप होते हैं, तो महाद्वीपीय क्षेत्रों और प्लेटें जहां टकराती हैं वहां पर संतुलन मूलक और भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। कौन से भूकंप आते हैं, संतुलन मूलक और भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं, ठीक है। वहीं परिप्रशांत क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं वह कैसे आते हैं, वह ज्वालामुखी वाले भूकंप आते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था जो ज्वालामुखी वाले भूकंप हैं वह सबसे क्या होते हैं, सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, सबसे घातक होते हैं, उनका असर सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक अटलांटिक महासागर की जो पेटी है ना, उसमें से भूकंप ज्यादा आते हैं, अटलांटिक महासागर की पेटी में आते हैं, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक वाला क्षेत्र है, यहां पर भी भूकंप काफी ज्यादा आते हैं। और मध्य अटलांटिक कटक जहां पर रचनात्मक किनारा है, मैंने इसका इमेज भी दिखाया था, लोकेशन भी दिखाया था, सब मैंने बताया था। फिर अन्य जो क्षेत्र है वह है भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र, कहीं पर ब्लॉक पर्वत है, जैसे अफ्रीका की भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है जहां पर भी भ्रंश घाटी है, और ब्लॉक पर्वत वाले जो क्षेत्र है वहां पर यह क्या होता है, ज्यादा आता है, ठीक है बच्चों। अब यहां तक हो गया भूकंप, अब हम बात करेंगे सुनामी पर, ठीक है बच्चे। और लोग कम क्यों हो गए, ठीक है। क्लास का टाइम 3:15 से स्टार्ट होती है बच्चों क्लास। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सभी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो जो बच्चे नए आए हैं वो मुझसे जुड़ने के लिए दो काम करें, पहला तो ये है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरा वो क्या करें, अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप यूज करते हैं तो वहां पर भी जुड़ने के लिए मुझसे जुड़ जाएं, और उसके लिए भी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सुनामी के विषय में, है ना। सुनामी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसका संबंध किससे है, भूकंप से ही है, इसीलिए हम इसके साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सुनामी ये क्या है, इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है, एक सेकंड बच्चों, आप इसकी इमेज सबसे पहले आप देख लो, ये आप देख सकते हो, ये जब सुनामी आती है तो पूरा जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहां पर पूरा तबाही मचा देती। आप सब कल्पना करो, आप सोचो कि आपके पास एक ऐसा अवसर आता कि आपके पास खूब पैसा,
और आप अपना जो है कि पर्सनल जो है कि पानी का जहाज लेकर समुद्र में जो है कि 200-300 किलोमीटर अंदर की ओर चले गए और जो जिस जहाज पर आप बैठे हुए हो वह जहाज बड़ी तीव्र गति से चल सकता है। लेकिन तुरंत आपको किसी ने सूचना दी वायरलेस पर कि आप यहां से निकल लो, सुनामी आपकी तरफ आ रही। तो बच्चों वह जहाज कितनी भी तीव्र गति वाला हो, मतलब सबसे दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला पानी का जहाज ही क्यों ना हो, आप सुनामी से बच नहीं पाओगे। क्योंकि सुनामी है क्या? सुनामी ऐसी महासागरीय लहरें हैं, ऐसी जो है कि ऊर्जा है जिसमें जो पानी है वह 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे की ओर बढ़ता है। और सोच लो इतनी स्पीड से 600, 700, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी, और कितना पानी, इतना पानी जो कि कई जो है कि क्षेत्र, कई किलोमीटर एरिया को डुबा सकता हो, इतना पानी आपकी तरफ आए तो आपकी क्या हालत होगी, या जिस क्षेत्र में सुनामी आए वहां पर बचने का कितना छोटा सा समय मिलता है। आप देखो जैसे जो माउंटेन्स वाले एरिया है यहाँ पर हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं और बड़े बड़े बांध बनाकर हम बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन जो पर्यावरण के जानकार हैं उनकी ये चिंता होती है कि इतने बड़े बड़े बांध बना रहे हो, अगर एक पानी, एक बांध भी टूट गया तो ये जो दिल्ली या फिर जो उत्तर मैदानी का ये जो लगा हुआ समीपवर्ती क्षेत्र है शिवालिक से, ये बचेगा नहीं, बहकर बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। एक शब्द आपने बड़ा इस समय चर्चा में सुना होगा और वह है वाटर बॉम्ब। ठीक है, इस समय बहुत चर्चा में है और ये तब से ज्यादा चर्चा में है जब से क्या हो रहा है, इंडो चाइना जो है कि बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ। तो कई समीक्षकों का यह मानना है कि चाइना के पास बड़ा जो है कि एक अच्छा उसके पास एक विकल्प है कि वह जो है कि इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये समीक्षक कौन से हैं, यह जो अंतरराष्ट्रीय समीक्षक, उनका कहना है कि चाइना ने जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांधों का विकास किया है और जो बांधों का विकास कर रहा है वो कुछ ना करे, अपने बांधों को अचानक तोड़ दे तो क्या होगा, जो पूर्वोत्तर भारत का हम पूरा क्षेत्र देखते हैं ना, उसमें अचानक इतनी ज्यादा पानी आएगी बहुत से एरिया एकदम समाप्त हो जाए, और यह एरिया जब समाप्त होंगे या इसमें जब इतना पानी आएगा तो पानी की जो गति है वह हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आगे बढ़ेगी, आप समझ सकते हो कितना नुकसान करे। और यह जो चीन ऐसा कर रहा है ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के संदर्भ में, जितने भी समीपवर्ती देश हैं सबके साथ उसने बांध बना रखे हैं, और वह जहां तक समीक्षकों का मानना है उसका प्रयोग वह युद्ध की स्थिति में जरूर करेगा। तो अब सोचो जब वॉटर बॉम्ब का कॉन्सेप्ट है तो ये जो सुनामी है जब यह अपने एकदम विकराल रूप में आएगी तो क्या क्या असर यह दिखाएगी। चलो अब हम समझते हैं सुनामी को, थोड़ा सा हम लोगों ने अज्यूम करने का प्रयास किया है। तो सुनामी क्या है, एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तट की ओर आती लहर। ठीक है, तट की ओर, तो सु जो शब्द है वह क्या है, सु क्या शब्द सु करता है बंदरगाह, पोर्ट वाला एरिया, नामी शब्द क्या करता है लहर, तो ऐसी लहरें जो बंदरगाह की ओर, और बंदरगाह कहां होते हैं, कोस्टल एरिया की ओर आते हैं, तो ऐसी लहरें जो समुद्री लहरें जो तट की ओर आते हैं, अगर यह जो जल है इससे ज्यादा जल क्या हो, कहीं समुद्र में ही उठे और गिरे लेकिन तट की ओर नहीं आएगा तो उसको हम सुनामी नहीं कहेंगे। सुनामी हम तभी कहेंगे जब वो क्या हो, तट की ओर आए और अपना विध्वंसक प्रभाव दिखाए। ठीक है, इनका ज्वारीय तरंगों से इनका कोई संबंध नहीं होता, अर्थात आपने देखा होगा टाइड उठते हैं उस टाइड से इनका कोई संबंध नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो आप समझ ही गए हो। और ये जो सुनामी है ये कब उत्पन्न होती है, आप इमेज को देख सकते हो कितने ये खतरनाक इमेजेस है। ठीक है, ये जल उठता कैसे है, मान लो यह जो है कि एक महासागरीय क्षेत्र है और महासागर में यहां पर ये ओशन की जो बॉटम है यहां पर क्या है, कोई भूकंप है और
उस भूकंप की जो तीव्रता है 7.0 से अधिक हो, तो क्या होगा, अचानक यहां पर ये जो जल है ऊपर की ओर, जो जल का लेवल यहां तक था, ये अचानक जल यहां पर, ये जो भूकंप है ऊपर मारेगा झटका, और ये जल क्या होगा इधर की ओर ऊपर उठेगा, और ऊपर उठकर कहां हो, तट की ओर आगे बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुनामी क्या हर भूकंप से आता है, तो कहना नहीं, ऐसा नहीं है। सुनामी तभी आती है जब भूकंप की तीव्रता महासागरीय क्षेत्र में 7.0 या उससे अधिक हो, ठीक है। और कैसे होगा, आप इसको कैसे समझो, आप क्या करना, आज एक परात में क्या करना, पानी लेना, ठीक है। आपने देखा ना बड़ा सा जो बर्तन होता है जिसमें आटा वगैरह लगाते हैं या किसी कोई सामान रखते हैं, उसमें पानी लेना, उसको क्या करना, किसी ऐसे चीज पर रखना जिससे क्या हो, जमीन से इतना ऊपर उठा, और एक तरफ क्या करना, जो पानी भर के उसमें रख देना, नीचे से ऐसे झटका मार। अब देखना जिधर से झटका मारोगे पानी छलक कर दूसरी ओर आएगा, अर्थात दूसरे हिस्से की ओर आएगा, और उस पात्र से पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से समुद्र में जब इतनी तीव्र गति की भूकंप आती हैं, तो यह भूकंप क्या करती हैं, यह जो सागरीय जल है इसको ऊंचा कर देती हैं, फिर यह जल क्या होता, ऊपर उठकर तेजी से ढाल के अनुसार कोस्टल एरिया की ओर मूव करता है, और जब यह मूव करता है तो इसमें गति क्या होती है, सैकड़ों किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब जो यह जो भूकंप आएगा सागरीय क्षेत्र में, यह ज्वालामुखी विस्फोट, अर्थात सागरीय क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो ज्वालामुखी होगा तो भूकंप आएगा ही। ठीक इसी तरह से भ्रंशन या अन्य क्रियाएं, मान लो जो ओशन का बॉटम है वो किसी कारण से चटक जाए, टूट जाए, अचानक कोई भी ऐसी कारण जिससे भूकंप जो है कि सागरीय क्षेत्र में भूकंप आए, तो उससे क्या होगा, ये सुनामी उत्पन्न हो जाए। अब क्या होता है कि ये जो सुनामी होती है इसमें लहरों के साथ नीचे तक का जल क्या करता है, यह गति करता है, अर्थात सुनामी में जो लहरें आ रही हैं, आप इन जो लहरों को देख रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर पानी आ रहा, यह लहरें जब चलती हैं तो नीचे तक के पानी को खींचकर अपने साथ लेकर चलती, इसी कारण जब किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कई किलोमीटर के एरिया में इतना पानी ला देती है कि लगता है कि पूरा समुद्र उठकर यहां पर आ गया। अगर लहरें जैसे हवा के माध्यम से भी तरंगे समुद्र में उठती हैं, वह एक लहर बनाकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसमें पानी की गति ऊपर ऊपर होती है, लेकिन जो सुनामी होता है उसमें लहरें क्या होती हैं, तीव्र गति से अचानक क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते, महासागरी गहराई का सीधा संबंध सुनामी की गति से होता है, अर्थात जो है कि अगर महासागर जितना गहरा होगा, महासागर जितना गहरा होगा सुनामी की गति उसमें उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि क्या होगा, जब बड़ा क्षेत्र है तो उसमें जब झटका लगेगा तो ज्यादा जल क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ज्यादा जल जब लेकर आगे की ओर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हानि भी ज्यादा होगी। और वही सोचो कोई छोटे बर्तन में आप झटका मार रहे हो तो उससे कितना पानी प्रवाहित होगा, और उससे कितना जो है कि स्वभाव। अब दो चीजें देखो, एक क्या करो, आप टंकी का पानी कहीं एक जगह गिरा दो तो उसमें ज्यादा पानी निकलेगा, एक जगह बाल्टी का पानी गिराओ तो क्या होगा, कम असर हो। ठीक इसी तरह से महासागरीय गहराई जब अधिक होती है तो यहां पर सुनामी की जो गति है वह ज्यादा होती है, और कम गहराई अगर है तो सुनामी की गति क्या होगी, कम होगी। अगर अधिक गहराई वाला महासागर है जैसे कि प्रशांत महासागर आप देखते हो, तो क्या होगा, यह जो है कि गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। गहरे सागरों में जो लहरों की लंबाई है वह लहरों की लंबाई 100 किलोमीटर से अधिक होती है, और सागर तट पर यह कम हो जाए। लंबाई का मतलब होता है कि जैसे जल ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये देखो यह ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो जो लहरों की जो लंबाई होती है गहरे सागरों में लगभग 100 किलोमीटर तक लंबी होती है, इस वजह से पता ही नहीं चलता कि सुनामी भी आ रही। जैसे जल्दी जल्दी अगर मान लो ऐसे ऐसे उठती तो पता चल जाता कि हाँ कोई सुनामी है, कोई लहर आ रही है, लेकिन गहरे सागरों में इनका जो लहर है 100 किलोमीटर लंबी होती है, तो हो सकता है आप जहाज लेकर आप जो है कि जा रहे हो और आपको लगे बस पानी उठा और गिर गया,
गया और आपको पता भी नहीं चला सुनामी निकल गई, लेकिन जब ये तट की ओर पहुंचती हैं तो क्या होती है, इनकी गहराई कम होती है और ऊंचाई अचानक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तट पर जो पूरा पानी समुद्र से आ रहा था टकराता है, ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। इसीलिए जल की गहराई तथा तरंग की ऊंचाई में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। गहरे सागर में लहरें लंबी उठेंगी लेकिन ऊंचाई क्या होगी, उनके कम होगी, लेकिन तटीय क्षेत्रों में लहरों की लंबाई कम हो जाएगी लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग, चले आगे बढ़े, आप समझ पा रहे हो इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तट पर पहुंचकर ये जो लहरें हैं सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करती हैं और कई जगह तटों पर जो इनकी ऊंचाई है वो 25 मीटर तक देखी जाती है। ठीक है बच्चों, तटीय क्षेत्रों में ये देखा गया है कि सुनामी लहर के आगमन से पहले जल पीछे की ओर हटता है। अर्थात मान लो किसी कोस्टल एरिया में आप खड़े हो, किसी बीच पर गए हो और पानी अचानक पीछे हटने लगे, तो अब आपका आपके लिए मैसेज आ गया है कि वहां से जितना जल्दी से जल्दी भाग सकते हो भाग लो। इसलिए भाग लो क्योंकि जो जल पीछे की ओर जा रहा है अचानक क्या होगा, आपकी ओर आने वाला है। इसलिए बच्चों जब जल पीछे की ओर जाता है तो क्या माना जाता है, सुनामी का संकेत माना जाता है। प्रशांत जो महासागर है इसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक सुनामी आते हैं। प्रशांत महासागर में सुनामी सर्वाधिक क्यों आते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में मैंने बताया था यहां क्या होता है, ज्वालामुखी ज्यादा आती है। ज्वालामुखी जब ज्यादा आते हैं तो इसी की वजह से यहाँ पर भूकंप भी ज्यादा आते हैं। यह जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर, यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी भी ज्यादा होती है और इन सभी कारणों की वजह से प्रशांत महासागर में क्या होता है, सुनामी ज्यादा आती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 21वीं सदी के जो दो भयानक सुनामी अगर हम देखें तो ये जो सुनामी थी वह थी 2004 और 2011 की सुनामी। 2004 वाली जो सुनामी आई थी इसमें जो है कि 11 देश प्रभावित हुए थे, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक इसी तरह से मार्च 2011 में जो कि जापान के पास जो है कि एक भूकंप आया था जिसकी स्पीड थी 9.0, उससे भी सुनामी उत्पन्न हुई थी। इसने पूरे जापान को परेशान करके उसको लगभग बर्बाद करके रख दिया था। ठीक इसी तरह से 2004 में जो सुनामी आई थी इसमें भी भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। आप देख सकते हो जैसे जैसे भूकंप की तीव्रता क्या होती है, बढ़ती है, तो सुनामी की जो तीव्रता है वो भी बढ़ जाती है, उसके द्वारा होने वाला नुकसान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, भूकंप का जो 2015 का जो 2011 का जो ये सुनामी थी इसके भूकंप का केंद्र टोकियो से 373 किलोमीटर दूर था और सागर में कितना किलो 24.4 किलोमीटर की गहराई में भूकंप आया था, लेकिन उससे इतनी बड़ी मात्रा में जल आया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ऐसी सुनामी की स्थिति से निपटने के लिए IOC यूनेस्को द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सुनामी रेडी पहल, अर्थात जो है कि टी जो को सुनामी, ठीक है बच्चों, सुनामी और ये रेडी इनिशिएटिव को प्रारंभ किया गया है। इस पहल जो कौन सा है, सुनामी रेडी इनिशिएटिव, इस पहल से क्या किया जा रहा है, जो कोस्टल एरिया है इन कोस्टल एरिया अर्थात जहां पर सुनामी बार बार आती है इनके कोस्टल एरिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैंग्रोव लगाना, मैंग्रोव जो वनस्पति होती है क्या करती है, सुनामी की गति को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसी प्रकार के अन्य जो प्रयास इस पहल के द्वारा किए जा रहे हैं। वर्ष 2007 में आपको पता है कि भारत ने क्या किया, इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र जो है कि इसकी स्थापना की, ITEWC की स्थापना की। यह क्या करता है, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ पूरे वैश्विक क्षेत्र में भूकंप और सुनामी पर अपनी निगरानी रखता है, अपनी जो है कि सूचना देता रहता है। जैसे कहीं भूकंप आता है उस क्षेत्र को सूचना भेज देता है कि देखो आपके यहाँ पर भूकंप आया है और सुनामी भी आ सकती है, तो आप अलर्ट मोड पर आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो यह जो है कि कुछ प्रयास अभी तक किए गए। तो
आज के वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं हैं कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको पता है कि अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस लॉन्च करता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है स्पेशल क्लासेस। तो जब मेरी क्लासेस वहां पर लगेंगे तो आप वहां पर भी निःशुल्क क्लास ले सकते हैं, लेकिन उस क्लास की सूचना आप कैसे मिलेगी, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। उसको कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, मेरा लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिएगा, अपने आप वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां फॉलो कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं, तो आप प्लीज ये वाला कोड जरूर यूज कीजिएगा SB Live। इससे क्या होगा, मेरा गाइडेंस आपको मिल पाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो फ्री मेगा टेस्ट सीरीज UPSC CSE के द्वारा चलाई जाती है, आप यहां पर देख सकते हो टीचर्स के नाम है और उनके चीजें, और यहाँ पर आप देख सकते हो कई तरह के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, इन बैच में से जो बैच आपको ठीक लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ये देख सकते हो लक्ष्य UPSC CSE 2023 GS की संपूर्ण तैयारी, इस बैच में मैं भी हूँ और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर कोड कौन सा यूज करना है, यहाँ पर SB Live सुनील वर्मा लाइव कास्ट ये जो है कि कोड यूज करना है और आप क्या करोगे, इनरोलमेंट ले लोगे और इससे क्या होगा, मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अब बताइए जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं जिनका कुछ प्रश्न हो तो वो बच्चे आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। प्लीज आप बताइए, ममता जी क्लास कब लगती है, 3:15 पे बच्चे डेली क्लास हमारी स्टार्ट होती है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी सूचनाएं मिलती रहेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।